प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दाता मेरा पुकार पुकार मेर कर देखो जरा, मोहि दे जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठी अमान दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहार, सुरती भी गए अमीर रस धार तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा, नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उम गाओ दया, स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो, प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा,
सर्वसमर्थ सर्वत्र श्रवणीय परम पूज गुरु जी महाराज उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन बच्चे तथा बच्ची गुरु महाराज की अपार दया मेहर और आज 31 दिसंबर 2018 को साल के अंतिम दिन में दिन के 2 बजे उज्जैन आश्रम प्रसाद संघ के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। सत्संग जल जब कोई पावे मैलाई सब कट कर जावे। जिस तरह से शरीर की सफाई के लिए कपड़े की धुलाई के लिए साबुन और पानी की जरूरत होती है, ऐसे ही अंतरात्मा की सफाई के लिए मन चित्त बुद्धि को सही रखने के लिए इंसान को सत्संग की जरूरत होती है। सत्संग पहले के समय में बराबर जगह जगह पर लोग करते और करवाते रहते थे, सुनते और सुनवाते रहते थे। जब सत्संग मिलता रहता था तब हर तरह की जानकारी रहती थी, किस तरह से खाया जाए, किस तरह से पहना जाए, किस तरह से घर में रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इसकी जानकारी सत्संग से मिलती थी। तब आज की तरह से लोग दुखी नहीं थे, घर घर में झगड़ा नहीं था, घर घर में रोग इतना नहीं था, ईर्ष्या द्वेष पर मनस्ता नहीं थी, दहेज के तलाक के मुकदमे चलते नहीं थे, लोगों के अंदर बर्दाश्त की शक्ति थी, लोगों के अंदर त्याग और तपस्या का भाव था, सेवा भाव था, सच्चाई थी। कटे प्राण जाए पर वचन न जाए, कोई किसी को जबान दे देता पूरी जिंदगी निभाता था। दरवाजे पर कोई आ जाए कहते अतिथि देवो भव, यह मनुष्य नहीं है, मेहमान नहीं, भगवान है। परोपकार के लिए लोग तैयार रहते थे, सेवा भाव लोगों के अंदर में बहुत था। जब कुदरत के बरखिलाफ काम लोग नहीं करते थे, प्रकृति के अनुकूल चलते थे, तब समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी। उस समय पर लोगों का दिल दिमाग बुद्धि सही रहती थी, शरीर के लिए ही नहीं आत्मा के लिए भी कुछ करते थे। इस वक्त पर इंसान अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करने लग गया और इसे शरीर के सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए, आत्मिक सुख को उसने जो मुस्तकिल था, परमानेंट था, उसको भूल गया। देखो कुछ सुख ऐसा होता है जो क्षणिक होता है और कुछ होता है अस्थाई होता है। जैसे जब खाते हो तो उस समय पर स्वाद मिलता है, मिर्च हो, मसाला हो, मीठा हो, खट्टा हो, जो भी हो, तो कहते हो बहुत अच्छा रहा, एक तरह से सुख का अनुभव होता है। बिस्तर पर सोने लगते हो, जाते हो, कहते हो मुलायम करता है, बढ़िया, रजाई गर्म है, लेकिन खाने के बाद और सोने के बाद किसी को पता चलता है कि क्या खाए थे, कहाँ सोए थे। लेकिन जो एक ऐसा सुरूर है, एक ऐसा नशा है जीवात्मा का, कि वो जब मिल जाता है तो हमेशा सुख का ही अनुभव होता है। कहते ना, जो अलस है मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का, उनको जिंदगी का कोई होश नहीं रहता है। जो
आने समय लोग की आत्मा का खुराक ले लेते हैं, मिल जाता है। तो पहले के समय में जब आत्मा का खुराक लोग लेते थे तो कहते थे ना, योगी और विज्ञानी हैं, सतयुग योगी सब विज्ञानी, सतयुग में सब योगी विज्ञानी थे, कर है ध्यान तर है भो प्राणी। आँख बंद करते ही आने समय लोग अपने वतन मालिक के पास पहुँच जाया करते थे। मनुष्य यही थे, ये जरूर है कि उनकी लंबाई ज़्यादा होती थी, ऊंचे होते थे, लेकिन अन्न यही खाते थे, पानी यहीं का पीते थे। इसी धरती पर सतयुग के लोग भी थे, धरती खत्म नहीं हुई है, आसमान धरती वही है, हवा पानी वही है, लेकिन आदमी के स्वभाव में, आदमी की आदत में युग के अनुसार परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया। अब यह है कि कभी ऐसा भी होता है कि जैसे बहुत ठंडी पड़ने लगी कांप जाते हो, बहुत गर्मी जब पड़ने लगती है दस्त हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, बरसात में भीग जाते हो। तो ऐसे ही आने समझ लो कि युग का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है और युग के प्रभाव से लोगों में बदलाव आ जाता है। अब जब इस चीज़ की जानकारी हो जाती है कि भाई जब ठंडी आवे तो तन को ढक लो तो ठंडी असर नहीं करेगी, गर्मी आएगी तो धूप से बच जाओ, गले को बंद रखो, कान को बंद रखो, गर्मी ठंडी का असर नहीं पड़ेगा। बरसात में कोई चीज़ ओढ़ लो, छाता लगा के चलो, नहीं भीगोगे बीमारी नहीं आएगी। तो जब इस चीज़ की जानकारी आदमी को हो जाती है तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। कलयुग तो है उस समय पर, लेकिन कलयुग का प्रभाव सबके ऊपर एक जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों का तौर तरीका अलग अलग है। आप तो देखते हो कि ये पढ़े लिखे हैं, ये अच्छा कमाते हैं, अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, चमक दमक वाला गाड़ी घोड़ा में अच्छे चल रहे हैं, ये बहुत सुखी होंगे, लेकिन वो सुखी नहीं हैं, वो दुखी हैं। कारण क्या है कि सुख तो यहाँ है ही नहीं। इन बाहरी आँखों से जिन चीज़ों को आप देखते हो इनमें किसी में भी सुख नहीं है, यह सब दुखों की ही चीज़ें हैं, यह दुखों का ही संसार है। जब तक इस दुख के संसार को नहीं छोड़ोगे तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। अब आप ये समझो कि अगर यह तरीका मालूम हो जाए कि दुख के संसार को किस तरह से छोड़ा जाए और सुख के सागर की तरफ, सुख के देश की तरफ किस तरह से चला जाए, तो इस दुख के संसार में सुख का भी अनुभव हो जाएगा। अब जब सत्संग मिलता था तो इन सारी चीज़ों की जानकारी लोगों को कराई जाती थी। आत्मा परमात्मा का भेद बराबर लोगों को बताया जाता था और बता करके अनुभव भी कराया जाता था, लेकिन सत्संग जब से लोगों ने छोड़ा तब से लोग शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लग गए। खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाओ शरीर के लिए, जो कुछ भी करते शरीर के लिए, यहाँ तक कि बाल बच्चों की भी सेवा करते हैं कि दो रोटी कमा करके लाएंगे, बुढ़ापे में खिलाएंगे, पढ़ाते लिखाते पालन पोषण इसीलिए करते हैं कि बुढ़ापे में सेवा करेंगे। लेकिन शरीर का कोई ठिकाना है? कोई नहीं ठिकाना, क्योंकि जहाँ पर आप रहते हो यह मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक का नियम ही यही है कि एक दिन यहाँ से सबको बाहर कर दिया जाना होता है। मृत्यु माने बाहर होता है, माँ के पेट में भी अन्य मृत्यु शक्ति काम करती है, तो बच्चे को बाहर निकालती है, वो जब बन जाता है, पक जाता है, 9 महीना पूरा हो जाता है, तब वो शक्ति बाहर निकाल देती, रोक नहीं सकता कोई उसको। पहले डिलीवरी भले करा दें लेकिन डिलीवरी रोक नहीं सकते हैं। अब आप ये समझो कि मृत्यु माने होता है बाहर, अब यह है मृत्यु लोग। यही कारण है कि देखो, एक से एक राजा महाराजा हुए, सेठ साहूकार, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, राम जैसे भगवान हुए, कृष्ण जैसे भगवान हुए, सबको जाना पड़ा। मौत अगर आदमी को आने समय लोग की दिखाई पड़े तो आदमी बुराइयों से बचा रहेगा। मौत को ही भूल चुका है, मौत को याद रखने की ज़रूरत है
कि पता नहीं कब आंख बंद हो जाए। मौत जब दिखाई पड़ती है तो सारा नशा भूल जाता है। वो था ना राजा, तो राजा को रोग हो गया, बहुत इलाज कराए, नहीं ठीक हुआ। तो किसी ने कहा, भाई हर मर्ज की दवा होते हैं संत महात्मा, चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे आत्मिक रोग हो, सारे रोगों को दूर करने वाले वैद्य डॉक्टर वही होते हैं सदगुरु वैद्य, जिनको कहा गया। तो उनके पास जाओ, पता लगाने लगा। पता लगाते लगाते गया, प्रणाम किया और महात्मा जी से कहा, महाराज हमको रोग हो गया है, इसका कोई आप इलाज बता दो। बोले ठीक है, ठहरो आज, कल बताएंगे। सुबह जब हुआ फिर बोला, महाराज दवा बता दीजिए। बोले अच्छा। तो गए, जड़ी ले आए और बटे उसको, पीस करके तैयार किया, एक गिलास पीस करके तीन गिलास तैयार किया, एक गिलास तो पिला दिया राजा को और दो गिलास खुद पी गए। अब राजा ने जब दवा पिया तो उसको नामर्दी हो गई थी, तो बड़ी तेजी आई उसको, बड़ा असर हुआ। सोचा कहीं दवा ये कुछ समय के बाद असर अपना खत्म न कर दे। तो सोचने लगा कि महात्मा जी से जड़ी का नाम पूछ लें या जड़ी मांग लें तो फिर पी लेंगे, जब कमी आएगी तब। तो कहा, महाराज चल दिया था, थोड़ी दूर चला गया, फिर लौट करके जब आया तो कहा, महाराज थोड़ी सी दवा हमको और पिला दीजिए, अरे तो जड़ी दे दीजिए, हम फिर पी लेंगे, अगर मान लो नशे में कमी रही तो। बोले अच्छा आज और ठहर जा, कल देंगे। ठहर गया। अब उस दवा का बहुत असर, लेकिन फिर भी उसको इस बात की शंका रही कि कहीं दवा का असर खत्म ना हो जाए। रुका रहा, दूसरे दिन फिर जड़ी लाए और पीस करके छह गिलास तैयार किया, चार गिलास तो खुद पी गए और दो गिलास राजा को पिला दिया और कहा जा। राजा चला गया, रात भर बिल्कुल कामांध रहा, पागल जैसा रहा। सुबह जब उठा तो कहा, भाई तीन गिलास पीने से हमको इतना नशा रहा इसका, और छह गिलास जिसने पिया उसका क्या हाल रहा होगा। तो उनके तो न कोई बीबी न कोई बच्चे न कोई कुछ, तो इस नशे को उन्होंने यानी खत्म कहाँ किया होगा, तो कोई दूसरा विकल्प उन्होंने खोजा होगा। तो ये योगी नहीं है, ये संत नहीं है, महात्मा नहीं है, ये हमारे राज्य के कलंक यानी योगी भोगी हैं। ये यानी योगी नाम तो है, महात्मा तो देखने में है, लेकिन ये भोगी हैं। राजा के मन में शंका पैदा हो गई। शंका बड़ी बुरी वाला होती है, शंका कभी नहीं करना चाहिए। शंका ही तो हो जाता है ना, तो गृहस्थ आश्रम या नर्क जैसा हो जाता है। कैसे शंका होती है ये भी बता दें। मान लो कोई औरत किसी आदमी से बात कर रही है और उसके पति ने देख लिया, भाई मान के ही बात कर रही, लेकिन पति ने देख लिया तो बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन हर बात में कमी निकालेगा। दाल में नमक भर दिया, सब्जी में मिर्ची भर करके पेट खराब कर देगी, कच्ची कच्ची रोटी खिला के मार डालेगी, और चादर नहीं धोया, झाड़ू नहीं लगाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, 50 नुस्ख निकालेगी निकालेगा। मान लो कोई आदमी किसी औरत से अपना बहन मान करके ही बात कर रहा है और पत्नी ने देख लिया, बोलेगी कुछ नहीं, लेकिन दिन भर गुस्से में रहेगी, अंदर 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 कुढ़ती रहेगी और गुस्से में चार छह बर्तन पटक करके पिचका डालेगी, नहीं कुछ होगा अपना ही बाज लोट डालेगी। तो शंका बहुत बुरी बला होती है, शंका नहीं करनी चाहिए, शंका का समाधान करना चाहिए। लेकिन अब आजकल शंका ज्यादा लोगों को हो रही, शंका देखो बहुत सा घर बिगाड़ने का कारण बन जा रहा है।
शंका आने समय लोग की खून कटल करा दे रहा है, घर छोड़वा दे रहा है। शंका कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन राजा को हो गई शंका। शंका हो गई तो कहा चलो अब बात करता हूँ उनसे, पूछता हूँ। गया, बहुत बिगड़ा, सब महात्मा जी सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। कहा गया ना, और कोई आग हो तो आप हो पानी, अगर किसी को गुस्सा आवे तो दूसरा चुप हो जाए, अगर बोल दिया तो समझ लो आग में घी पड़ा, यानी आग घी से नहीं बुझ सकता है, बुझ सकती है, पानी से ही बुझेगी, ठंडे से ही बुझेगी। और वो यानी आग में घी यानी और तेजी ला देता है, एक तरह से उसकी ज्वलन शक्ति को बढ़ा देता है। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, राजा आखिर में थक गया बोल बोल करके, और उसके बाद में फिर इंतजार करने लगा कि जवाब दें, जो जो हमने पूछा इसका ये जवाब दें। बोले हाँ राजा, मेरे से गलती तो हुई। राजा बोला हाँ गलती तो तुम करते रहे, अभी कोई पहले गलती किए, बहुत बार गलती किए होगे, वही बात तो मैं कह रहा हूँ। अरे बोले गलती पहले कभी नहीं किया, एक बार गलती ये मैंने किया कि मैंने तुझको यह दवा पिलाई। अगर किसी लंबे उम्र वाले को यह दवा पिलाता तो हमारी दवा बेकार न जाती, क्योंकि आज के सातवें दिन तो तू मर जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा बोला है आज के सातवें दिन में मर जाऊंगा तो फिर यह दवा किस काम की रहेगी, यह राजपाट और ये बीवी बच्चे मेरे नहीं रह जाएंगे, मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, और फिर तो महाराज कोई उद्धार का उपाय बताओ, मनुष्य शरीर अब दोबारा न लेना पड़े, दुख के संसार में ना आना पड़े, ये तकलीफें जो हो रही हैं कष्ट हो रहा है इसको न झेलना पड़े, महाराज नरकों में हमको न जाना पड़ जाए, 84 मिनट चक्कर काटना पड़े, कोई उपाय बताओ। चरणों पर गिर पड़ा, तब महात्मा ने कहा देखा मौत को सुनते ही तेरा सारा नशा उतर गया, राज का पाठ का बीवी बच्चों का काम वासना का सारा नशा उतर गया, तो बच्चा मैं तो मौत को सामने रखता हूँ, हथेली पर रखता हूँ, 24 घंटे याद रखता हूँ कि मेरी मौत होनी है, दुनिया छोड़ना है, फला सो झड़ाओ भरा सो बुटाना, जो जलता है वो बुझता है, जो पैदा होता है वो मरता है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, इस धरती का विधान ही यही है, तो इस धरती का विधान ही यही, नियम ही यही है कि यहाँ जो आता है उसको जाना पड़ता है, कहा ना, लेकिन कोई जात चढ़ पाल की और कोई बंधे जंजीर, जो जो गए बहुरी नहीं आए, राजा रंक फकीर, जो चले जाते हैं फिर दोबारा उस मनुष्य शरीर में नहीं आते हैं, जीवात्मा तो आने समय जो उनकी आती है लेकिन उसी तरह के शरीर में वो नहीं आते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि पाल के चढ़ करके जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, स्वर्ग और वैकुंठ में जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो जंजीर में बांध करके ले जाए जाते हैं, यमराज के दूत उनको पकड़ करके ले जाते हैं, यातना देते हैं, और कुछ इससे भी परे होते हैं जो हमें रोज मरते हैं और रोज जीते हैं, उनको न पालकी पर बैठ कर जाना पड़ता है और न जंजीर में बंध करके जाना पड़ता है, दिन भर में 100 बार मरते 100 बार जीते हैं, तो वो कौन होते हैं, वो साधक होते हैं, साधना करने वाले होते हैं, गुरु के बंदे होते हैं। आप बहुत से लोग तुम नाम रानी हो, गुरु के बंदे हो, लेकिन जब समझ में आवे कि गुरु क्या होते हैं, गुरु का आदेश का पालन किस तरह से किया जाता है, इनका बातों का महत्व क्या होता है, जब ये समझ में आवे, जब यह समझ में आवे कि मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है और इसको चलाने वाली जीवात्मा आने समय लोग की कहाँ पहुँचानी है, उसका क्या काम है, ये समझ में जब आ जाए तब, और नहीं तो जैसे पशु और पक्षी
पैदा होते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते, ऐसे इंसान भी चला जाता है। यानी समझ लो कि दुनिया देखो चली जा रही है। आप जाओ देखो शमशान घाट पर, शमशान घाट पर आप जाओ देखो तो ऐसे देखोगे कि मुर्दों की लाइन लगी हुई है। वहाँ पता चलता है कितने लोग मर रहे हैं, यहाँ कहाँ पता चल रहा है वहाँ पता चलता है। वहाँ जब जाओ देखो तो हनी अक्सर यानी समझ लो जो समझदार जानकार लोग होते हैं शिक्षा लेने के लिए, यानी समझ लो कि यानी जाते हैं वहाँ बैठे रहते हैं, नदियों के किनारे जाते हैं तो ध्यान देते हैं इन बातों पर जो जाते हैं वो। बाकी तो गए डुबकी लगाए चले आए, लेकिन जो समझदार होते हैं देखते हैं कि देखो भाई ये इसी तरह से हमको भी यानी समझ लो कि आना पड़ेगा, दुनिया छोड़नी पड़ेगी, शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो देखो यह मनुष्य शरीर जो है वो अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, और इसके अंदर जो बैठी हुई जीवात्मा है यह है परमात्मा की अंश। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। तो परमात्मा का इतना छोटा टुकड़ा है कि इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो। यही जीवात्मा जो आपके अंदर, यही घोड़ा में भी, हाथी में भी, ऊंट में भी यही, यही मुर्गा भैंसा में भी यही, यही चींटी और चींटी से छोटे कीड़े जिनको इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते उनमें भी यही आत्मा है। परमात्मा के अंश जीवात्मा उसमें भी है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब हो जाता है तब पिंड में यह डाल दी जाती है। सबसे पहले पिंड ही बनता है। 6 तरह की शक्तियां काम करती हैं। कहाँ पर? यहीं पर। सारा सिस्टम शरीर के चलाने का और शरीर से दूसरा शरीर बनाने का, निर्माण का सारा सिस्टम यहाँ से यहाँ तक है। बगैर अन्य उस मसाले के, अन्य उस शक्ति के कोई भी बच्चा बन नहीं सकता है माँ के पेट में। तो अब आप समझो कि 6 तरह की शक्तियाँ अन्य यहाँ से अन्य बच्चे को तैयार कराती हैं। जन्म अष्ट परिणामी वृद्ध और क्षीर। जन्म शक्ति का काम है रज और बीज को मिला देना, अष्ट का काम है हिस्से कर देना, और आवरण चढ़ा देने का यानी जन्म अष्ट परिणामी का काम है पर्दा लगा देना, झिल्ली चढ़ा देना, और वृद्ध शक्ति का काम बढ़ा देना। जन्म अष्ट परिणामी वृद्ध और क्षीर, क्षीर शक्ति का काम है अंग बना देना, और मृत्यु शक्ति का काम है माँ के पेट से बाहर बच्चे को निकाल देना। तो 6 तरह की शक्तियाँ काम करती हैं, बनाती हैं। और 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, यह 5 तत्व यह है मसाला। यह मसाला यानी वहीं से मिला। किसको मिला? चिरंजन भगवान को मिला। कहाँ से मिला? सतलोक से उन्होंने दिया, और आज्ञा को उन्होंने दिया, और कहा जाओ अब इससे तुम रचना करना। बहुत तपस्या किया था किसने? निरंजन भगवान, जिनको काल भगवान ईश्वर कहा गया। तो खुश होकर के और इनके मांगने के अनुसार इनको जीवात्माओं को यानी दिया था, निचले स्तर की उतारा था ऊपर से, यानी जब मौज हुई थी तो ये उतर करके नीचे आई थी, ऐसे सीढ़ी 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 आई। पहले तो 16 सुतों को उतारा गया, यानी समझो कि चार का भेद खोला और बाकी गोद पर रखा। तो आप समझो कि वो ऐसे अपना जगह जगह ऐसे राज जैसे होता है यानी बना करके द्वीप जैसे होता है, जैसे आपके यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ऐसे भारत तो एक है, लेकिन यह है कि इसके यानी समझ लो कि अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग जो है मुख्यमंत्री हैं। तो पहले ऐसे राजा होते थे, इसी तरह से उन्होंने ऐसे बना लिया यानी समझ लो, और वहाँ पर रहने लग गए। तो जैसे यहाँ पर हर प्रदेश में जनता रहती है, जीव रहते हैं, ऐसे उसमें भी। तो इनको यानी मिला ये मसाला और आज्ञा महाशक्ति मिली। तो आज्ञा के संपर्क से इन्होंने 3 बच्चों को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और खुद यानी समझ लो कि अलग हो गए। बराबर 24 घंटे ध्यान में लगे रहते हैं, बराबर दर्शन तो नहीं हो पाता, श्रापित हैं, लेकिन ये जो बंधन करते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, वो उसको वो स्वीकार करते हैं, उसको अनुकूल करते हैं,
सत्पुरुष, सत्पुरुष कौन है, इनके पिता और आपके भी पिता, सबके पिता, जितने जीव हैं सबके पिता हैं। सकल जीव कहा ना, मम उपजाया और सब पर मोर बराबर दाया। अपना बच्चा आए चाहे जेल में हो और चाहे विदेश में हो और चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो चाहे अपने पास हो, प्रेम तो होते ही है बच्चे से। आए समझ लो कि आप समझो कि कोई मान लो गलती किया जेल चला गया, कोई कमाने के लिए विदेश चला गया, कोई गांव में खेती करता, कोई व्यापार करता है और कोई नौकरी करता है, यानी लेकिन अलग रहते हुए भी प्रेम तो रहते ही है पिता को सभी बच्चों से, ऐसे उनको सबसे प्रेम है। अब नालायक निकल गया जो गलती किया जेल चला गया, प्रेम तो उससे भी है। ऐसे ही प्रेम तो उनको सभी जीवों पर है, सभी जीवों से है। तो समझ लो कि सबसे पहले यानी वो तो अलग हो गए और इनको हुक्म दे दिया कि तुम जाओ अभी से रचना करो। तो इन्होंने रचना किया 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, यानी समझ लो बैराट के साथ यानी उत्पन्न किया। और आप ये समझो कि इधर यानी 30 लाख स्थावर किसने बनाया, शिव ने बनाया। स्थावर किसको कहते हैं, पेड़ और पौधे को स्थावर कहते हैं। और 27 लाख उकमज विष्णु ने बनाया, उन्होंने उत्पन्न किया। अनुकमज किसको कहते हैं, जू चीलर, ये जो मनुष्य के शरीर में पैदा हो जाते हैं कपड़ों में सिर में। और 14 लाख यानी समझ लो कि जल के, 14 लाख यानी समझ लो अंडज, अंडज किसको कहते हैं, अंडे से जो पैदा होते हैं। और 9 लाख यानी जल के जीव, शुरू में उन्होंने इतना ही बनाया था। तो उस समय पर था सतयुग, सतयुग जो है सतयुग से योगी सब विज्ञानी और करे ध्यान करें वह प्राणी। सतयुग में सब आंख बंद करते थे, अपने देश चले जाते थे, अपने घर आते जाते रहते थे, जैसे देखते रहते थे। जब इच्छा होती तो यहाँ का देखते, जब चाहते तो वहाँ का देखते, जब चाहते यहाँ का सुनते, जब चाहते वहाँ का सुनते। सब के कान खुले हुए थे, अंदर की आँख खुली हुई थी, अंदर का कान खुला हुआ था, सबका सबका नाक अंदर का खुला हुआ था। बढ़िया आनंद लेते थे, खुशबू लेते थे। लेकिन जब ये इधर युग बदला समय के अनुसार, यानी युग बदला तो मलिनता आती गई और फिर जो है ये कलयुग आ गया। अब युग जो आए और फंसे तो फंसते ही रह गए। आपको ये नहीं पता है कि आप आए समय लोग पिछले जन्म में कहाँ थे, लेकिन पिछले जन्म में कहीं थे। पिछले जन्म की जानकारी आप समझ लो कि माँ के पेट में रहती है, पूरी जानकारी रहती है कि हम कहाँ थे। और यह भी जानकारी रहती है कि हम को माँ के पेट से बाहर जाना पड़ेगा माया के लोक में, यानी हमको समझ लो कि रहना पड़ेगा। तो वो जो था कौन, सुखदेव, सुखदेव को जानकारी थी कि माया के लोक में हमको जाना पड़ेगा। तो माया के लोक में हम जाएंगे तो वहाँ माया फंसाएगी, माया उसके चक्कर में आ जाएंगे तो हमको खुद यानी समझ लो कि इस दुख की जगह पर आना पड़ेगा, यानी समझ लो कि इस माँ के पेट रूपी नरक में आना पड़ेगा। क्योंकि माँ के पेट में क्या रहता है, बदबू रहती है, जलन रहती है, माँ के पेट की गर्मी परेशान करती है, उल्टे टंगे रहते हैं, उल्टा जीव रहा लटकाना गादुर पक्षी के समाना, जैसे गारू पक्षी के ऊपर उल्टा टंगा रहता है, ऐसे टंगे रहते हैं। तो यानी इस बात की जानकारी उसको थी कि माया के चक्कर में आ जाएंगे तो बंधे कीट मरकट की नहीं, यानी वो नचाएगी जैसे बंदर नचाता है। मदारी जब पकड़ लेता है तब वो गांव-गांव ले जाता है, नचाता है बंदर पकड़ करके, ऐसे वो माया नचाएगी तो हमको फिर आना पड़ेगा। तो जल्दी जन्म ही नहीं ले रहा था वो, शोक जो वो निकल ही नहीं रहा था वहाँ से। अन्य समझ लो कि ब्रह्मा को भी अन्य समझ लो कि थोड़े देर के लिए माया की गति को रोकना पड़ा। देखता रहता था, देखो कैसे परेशान है लोग, कैसे किस तरह से नाच रहे हैं, किस तरह से घूम रहे हैं, किस तरह से रो रहे हैं, किस तरह चिल्ला रहे हैं, मृत लोग में देखता रहता था। तो कहता था कि अब हम बाहर निकलेंगे ही नहीं। तो माया की गति को भी कुछ क्षण के लिए उन्होंने रोका, लेकिन वो नहीं निकल रहा था, बड़े मुश्किल से अन्य समझो निकला। तो माँ के पेट में अन्य समझ लो दिखाई पड़ता है कि कहाँ थे पिछले जन्म में, केला थे, मकोड़ा थे, सांप थे, गोजर थे, बिच्छू थे, ये दिखाई पड़ता है। देखो नरकों में मार पड़ रही, काटे जा रहे हैं, सड़ाए जा रहे हैं, तपाए जा रहे हैं, ये सब दिखाई पड़ता है। देखा
कि किसी जन्म में चूहा बन गया, एक लंबे मुंह की चूहिया होती है जिसको छछुंदर कहते हैं, दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, अंधेरे में दिखता है उसको, और दिन में कहीं जाना होता है तो दीवार के सहारे से इसे जाती है, और कहीं भी ट्रेन दब जाए या कुछ कोई चीज लग जाए ऐसे चलते समय चू 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 बोलती है, बहुत बदबू होती है उसके अंदर, छछुंदर के अंदर बहुत बदबू होती है, और जहरीली बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है उसमें। अब आप समझो कि वो जो टट्टी करती है यानी जो मल त्याग करती है उसमें भी बहुत बदबू रहती है छछुंदर के मल में। तो देखा कि हम छछुंदर बन गए और सांप ने पकड़ लिया, तो अब न निगल रहा है न छोड़ रहा है, सांप जैसे पकड़ा चूहा समझ करके और दबाने पर जैसे वो बोली तैसे सांप कांप जाता है, कहता अरे कहाँ फंस गए, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, अगर इसको निगलते हैं तो इसके जहर से मर जाएंगे, गर्मी से मर जाएंगे, और इसको अगर छोड़ देते हैं तो ये हमारा आँख फोड़ देगी, छोड़ते ही आँख फोड़ती है, मरती है आँख के ऊपर। तो कहता है छोड़ देंगे तो अंधे हो जाएंगे और निकल जाएंगे तो मतलब मर जाएंगे। कहा ना भाई का सांप छछुंदर जैसी, तो क्या करता है ऐसे दबाता है ऐसे, और फिर ऐसे ढीला करता है, और जब दबाता है तब वो चू चू करती है, और जब ढीला करता है तब वो थोड़ा सोचती है शायद छोड़ देगा, लेकिन छोड़ता नहीं है, अब दबाता है छोड़ता, बहुत देर तक ये रहता है ऐसे इसी तरह परेशान करता है। तो कहते हैं ना कि तुमको घुट घुट करके मारेंगे, गुस्साते हैं लोग तड़पा तड़पाते किसी का गला काट देता है कोई, खत्म हो जाता मर गया, और हाथ काट दिया, पैर काट दिया, नाक कान काट दिया तो दर्द होगा, छटपटाता है, प्राण नहीं निकलता छटपट करता है, और उसके बाद में फिर मरता है वो। तो कहता तड़पा तड़पा करके मारेंगे, ऐसे ही तड़प तड़प करके, यानी देखता है कि प्राण निकल रहा है, तब बच्चा माँ के पेट में मालिक से प्रार्थना करता है कि बाहर निकालो, बाहर निकालो, जल्दी तैयार करो, बाहर समरस गुरु की तलाश करेंगे, रास्ता लेकर के दिन रात भजन करेंगे, आपके चरणों में ही लिपटे रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, कभी आपसे विमुख होंगे ही नहीं, सन्मुख रहेंगे आपके, हमेशा आपको देखते रहेंगे, आपकी दया लेते रहेंगे, हमको बाहर निकालो। माँ के पेट में यह भी जानकारी रहती है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे यानी हम मालिक का दर्शन कर सकते हैं, स्वर्ग वैकुंठ में जा सकते हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म लोकों में जा सकते हैं, वहाँ की यानी आवाज को हम सुन सकते हैं, यानी अनहर शब्द सुन सकते हैं, सत शब्द सुन सकते हैं, सार शब्द सुन सकते हैं, केवल मनुष्य शरीर में ही ऐसा रास्ता है और किसी में है नहीं, इसलिए आने समय लो मनुष्य शरीर को जल्दी मांगता है चाहता है। माँ के पेट में ये भी जानकारी रहती है कि जब सदगुरु मिलेंगे सच्चे गुरु मिलेंगे, जब संत मिलेंगे, जब ऐसे गुरु मिलेंगे कि जिसके लिए कहा गया कि रू है नाम प्रकाश का और गु कही है अंधकार और ताकू करे विनाश जो सोई गुर करता, जब ऐसे गुरु मिलेंगे आने तभी हमको आने अंधकार से प्रकाश मिलेगा, नहीं तो हम आने समय लो अंधकार में ही रह जाएंगे, और अंधकार में ही क्या है कहते भूल और भ्रम का देश है, ये अंधकार है एक तरह से, आने समय लो जैसे सुख लोग अंधेरे में खोज रहे हैं, कि जैसे आने समय लो कि मृग तृष्णा जिसको कहते हो कि मृग के नाभि में खुशबू रहती है, लेकिन वो खुशबू की तलाश में इधर उधर भगता रहता है, जान गंवा देता है, ऐसे ही आदमी भी परेशान है। तो अब आप ये समझो कि जीव आत्मा ये मांगती है उस मालिक से मनुष्य शरीर कि जल्दी से हमको तैयार करके मनुष्य शरीर आप दो और बाहर निकल करके हम भजन करेंगे, लेकिन बाहर जब निकलता है दया होती है तो तेज रोता है, बहुत तेज रोता है, वहां तो दुख था ही,
नाक के सामने टट्टी पेशाब की बदबू आ रही थी। अरे उल्टे टंगा हुआ था, माँ के पेट की गर्मी तपा रही थी। जठार अग्नि जिसको कहते हैं भोजन को पचाता है, अन्य समय लोग बहुत तेज थी तो अरे उस कष्ट में तो था ही। अन्य समय लोग वहाँ, लेकिन बाहर जब निकला तो और ज़्यादा कष्ट हुआ, क्योंकि जब तकलीफ होती है तभी कोई रोता है। बच्चा देखो अवकाश से तेज रोता है। अब क्यों रोता है? क्योंकि जब बच्चा के पिंड में जीवात्मा डाली गई थी, पतला रास्ता तो था लेकिन उसी पतले रास्ते से ही मालिक का दर्शन होता रहता था बराबर, तो बड़ा सुख का अनुभव करता था। जैसे गुरु महाराज के पास लोग जाते थे और गुरु महाराज को देखते थे, खुश हो जाते थे एकदम से। आने जैसे बच्चे उछल पड़ते थे, ऐसे लोग उछल पड़ते थे, देख करके खुश होते थे। यानी उनमें आकर्षण था, शक्ति थी, उनके यानी आँखों से हर अंग से दया की बरसात होती थी। संतों के कहा गया हर अंग से दया की बरसात होती है जब वो दया भाव में रहते हैं। दया भाव में तो रहते ही रहते हैं, लेकिन सब लोग दया ले नहीं पाते हैं। दया के घाट पर जो बैठते हैं, जो उनके वचनों का पालन करते हैं, वो ज़्यादा प्रिय होते हैं और ज़्यादा दया ले लेते हैं। वैसे दया तो सब पर करते हैं, लेकिन यह है कि उन पर ज़्यादा दया होती है। तो अन्य समय लोग खुश हो जाते थे, अन्य जब अन्य दर्शन करते थे, ऐसे ही दर्शन जीव जब करता था तो मस्त था, लेकिन बाहर निकला तो दर्शन हो गया बंद, पर्दा पड़ गया। किसका पर्दा पड़ गया? काल और माया का। काल किसको कहा गया? उन्हीं को जिन्होंने इस दुनिया को बनवाया। आने समझ लो जो मसाला मांग करके लाए, जिनको निरंजन कहा गया, ईश्वर कहा, किसी ने गॉड कहा, गॉड कहा, खुदा कहा, वो उनका यह देश है। सूरत यानी जीवात्माएं जितनी हैं सबकी डोर उन्हीं के हाथ में है, और तब तक उन्हीं के हाथ में रहती है कितने भी जन्म ले जीव मरे। आने समझ लो 84 में जाए तो कहीं भी रहे, सबकी डोर सूरत उन्हीं के हाथ में है। वो तो जब सदगुरु मिलते हैं, नामदान जब देते हैं, तब अपने हाथ में उनसे आने समय लोग की सूरज की डोर को ले लेते हैं कि कहीं हमारे पकड़े हुए जीव के लिए धोखा ना हो जाए, कहीं काल इनको अपनी चपेट में न ले ले, इसलिए उससे बचाने के लिए अपने हाथ में डोर को ले लेते हैं। और बराबर यानी उसी डोर के द्वारा प्रेरणा देते रहते हैं, समझाते रहते हैं, शंकाओं का भी समाधान करते रहते हैं, और फिर उसी तरह से प्रेरणा दे करके कर्मों को भी कटवाते रहते हैं। यह रहस्य सबके समझ में नहीं आ सकता है ना। यानी यह किसका रहस्य है? यह संतों का, सदगुरु का रहस्य होता है कहा ना, यह रहस्य गुरुदेव कर। अब एक न जाने कोई, और जो जाने सदगुरु कृपा, जन्म मरण न हो। संतों का रहस्य यानी अगर समझ में आ जाए तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता है कहा ना। जो कोई कहा संत हम चीन्हा और स्वामी हाथ काल धर लेना, उन्होंने कहा कि कोई अगर ये कहे कि हम संत को पहचान गए इन बाहरी आंखों से, तो समझ लो कि हम कान के ऊपर हार रख लेते हैं कि झूठ तो नहीं बोला है, ये ऐसा तो नहीं बोला है, तो बड़ा मुश्किल। जब वो पहचान कराते हैं तभी पहचान हो पाती है। इच्छा जब जग जाती है तो पहचान हो जाती है। जब अन्य समझ लो कि ये हो जाता है कि भाई देख लो बर्फ में कितनी ठंडी है, तो बर्फ पर आदमी हाथ रख करके देख लेता है। ऐसे ही जब इच्छा जग जाती है पहचानने की तो पहचान में आ जाते हैं। तो अब आप ये समझो कि अन्य बच्चा रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि दर्शन होना हो जाता है बंद, तब रोता है कहाँ 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 पहुँच गए। कहते हैं ना कि रोते पैदा हुए हो और रोते रोते ही चले जाओगे। दूसरा रोने का कारण क्या है? कि यह गर्मी और यह ठंडी हवा की किरणें इस कदर लगती हैं उसके नंगे बदन में कि मालूम पड़ता सैकड़ों सुई कोई चुभ रहा है। क्योंकि आज तक कोई भी बच्चा
सूट बूट पहनकर तो पैदा हुआ नहीं, कि हुआ कोई चड्डी बनियान पहनकर? कोई नहीं, सब नंगे पैदा हुए। कहते न कोई लेकर आए हो न कोई लेकर जाओगे, तो बात तो सही है। शमशान घाट पर भेजते समय एक धागा भी शरीर पर नहीं रखते हैं, सब उतार लेते हैं, तो लेकर तो कुछ नहीं जा सकते, क्योंकि जिस रास्ते से डाले गए हो, उसमें भेजे गए हो, उतारे गए हो, उसी रास्ते से निकलना रहेगा। तो वो इतना पतला रास्ता है कि उसको देख नहीं सकते हो, तो बाहर से देखने वाली आंख से चीजों को उधर से कैसे ले जा सकते हो? तो जब कुछ नहीं जा सकती ये चीज, बस यही कहते रहो, ये मेरा रुपया, मेरा बंगला, ये मेरी कार, और ये मेरा हीरा मोती जवाहरात, और ये मेरा सर्टिफिकेट, मेरा प्रमाण पत्र, बस यही रखे रहो। कितना भी आप बनवा लो, यानी कागज सब रखे रहो, दस्तावेज कोई काम का नहीं। आयो समझ लो कि ये दस्तावेज और यह प्रमाण पत्र जो धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान करके लोग ले लेते हैं, ये वहाँ कोई काम आने वाला होता है कि दिखा दो, ऐसे पत्ता दिखा दो और फिर जो है आपको छोड़ दे, कोई सर्टिफिकेट दिखा दो छोड़ दे? तो वहाँ तो मार पड़नी पड़नी है, वहाँ का नियम कानून अलग है और यहाँ का नियम कानून अलग है। तो अब आप ये समझो कि मुहर जब लग जाती है किसकी, अपनाए हुए संत की मुहर जब लग जाती है जीवों पर, तब वो सब जगह काम आता है। फिर कहीं भी आने समझ लो वीजा पासपोर्ट जरूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ इस मृत लोक में आने समझ लो कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ का आप वीजा प्राप्त कर लो तो दूसरे देश में वीजा बनवाना नहीं पड़ता है, पहले बनवा के नहीं जाना पड़ता है, उस देश में आप चले जाओ और वहाँ पर नोट करा दो बॉर्डर पर, चले जाओ अंदर, वहाँ चले जाओ, कुछ शुल्क थोड़ा बहुत होता है जमा कर दो और फिर आप अंदर चले जाओ, अराइवल वीजा कहलाता है। ऐसे आने समझ लो कि जब उनका मुहर लग जाता है तब तो नहीं, और नहीं तो फिर तो वहाँ तो रुकावट होती होती है। तो अब आप ये समझो कि यानी ये मृतलोक में जहाँ आप रहते हो, यहाँ की कोई भी चीज़ आखिरी वक्त पर ले नहीं जाई जा सकती, सब छोड़ना पड़ता है। तो कहना कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर जाओगे, तो लेकर तो नहीं जा सकते हो, लेकिन लेकर आए हो तो कहाँ रख कर के लाए? अरे कोई अटैची बैग तो लाता नहीं माँ के पेट से बच्चा कि जिसमें रख कर के लाए, और जब कुर्ता नहीं पहना, कोट पैंट नहीं पहना, तो कौन से जेब में रख कर के लाया? तो कहाँ रख के लाता है? कहा चार पदार्थ कर तल ताके, कर माने होता है हाथ और तल माने होता है तलवा, तो इस तलवा का हाथ के तलवे में लेकर आता है। अब हाथ के तलवे में कोई ऑपरेशन करके इसमें भर करके तो लाएगा नहीं, ऐसे ऐसे देखो ऐसे पकड़ के लाता है तलवा में। देखो बच्चा कोई भी पैदा होता है तो हाथ फैला के नहीं पैदा होता, हाथ खोल करके, सभी बच्चे ऐसे मुट्ठी बांध के पैदा होते हैं। तो कहा चार पदार्थ करता ताकि मुट्ठी में लेकर आता है। अब चार पदार्थ है क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इसी पर सब कुछ निहित है, निर्भर है। अब इसका मतलब अगर समझ में आ जाए तब तो काम बन गया, और नहीं मतलब समझ में आया तो फिर फंस गए, फिर तो भटकते फिरो। देखो तो जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, इनको किसने लिखा? संतों ने लिखा या उनके भक्तों ने लिखा? आवाज किसके मुंह से निकली? संतों के और भक्तों ने लिख दिया, लेकिन वो जो पुस्तक है वो उन्हीं की मानी जाती है। जैसे लिखते हैं ना, गोस्वामी कृत रामचरित मानस, घट रामायण वो अलग वो लिखा उसका, और ये अलग लिखा, तो उनके नाम से ही वो किताब रहती है, लिखा भले कोई। तो ये जो कार्मिक ग्रंथ हैं ये संतों के बनाए हुए, जब कोई संत मिलते हैं तब तो उसको समझा देते हैं, उसका अर्थ बता देते हैं, और नहीं तो बस उसी को पढ़ते पढ़ते बस लोग ऐसे चले जाते हैं।
अर्थ समझ नहीं पाते। उन्होंने ग्रंथों को इसीलिए लिखा कि इसमें जो अर्थ है उसको समझो। वो स्वामी जी ने लिखा ना, स्वांता सुखाए रघुनाथ गाथा, स्वामी रघुनाथ गाथा, यानी स्वांता सुखाए सबके सुख की चीज इसमें भरी हुई निहित है। यानी रामचरित मानस है, जो मानस में राम का चरित हो रहा है ये वो है। अब उसको अगर ध्यान से कोई पढ़ ले और समझ ले तो राम का आचरण अभी लोगों के अंदर आ जाए। जिस तरह से राम ने त्याग तपस्या किया, जिस तरह से पिता के आदेश का पालन करके राजगद्दी पर ठोकर मारा और जंगल चले गए, ऐसे त्याग पढ़ने वालों में भी आ जाए अगर समझ जाए तो। जिस तरह से प्रजा का उन्होंने पालन किया, जिस तरह का नियम संयम का पालन प्रजा को कराया कि जिससे आने समझ लो जब चाहे तब गाय से दूध मांगे दूध दे दिया, खेत में खड़े होकर के पानी मांगा तो बादल ने पानी दे दिया, ऐसी तरह से अन्य लोगों के अंदर अभी शक्ति आ जाए, उस तरह आचरण करने लग जाए। प्रजा का ध्यान रखते हुए देखो, अन्य समझ लो कि अपनी सती जैसे सीता पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, उस आदर्श पर अभी लोग चलने लग जाए अगर वो उसका अर्थ समझ में आ जाए तो। 16 दर्जा पढ़ करके कोई किताब लिखता है तो 16 दर्जा पढ़ करके आता है, ठीक से समझा देता है। 8 दर्जा पढ़ करके किताब लिखता, अरे 16 दर्जा वाले किताब को क्या समझाएगा, पढ़ा 8 दर्जा पढ़ा हुआ 16 दर्जा वाले किताब को क्या समझाएगा। तो आप क्या समझो कि अर्थ का मतलब क्या होता है। लोगों ने तो अर्थ का मतलब ये लगा लिया कि अर्थ माने रुपया, पैसा कमाओ, मार के ले आओ, काट के ले आओ, गलत लिख करके ले आओ, कैसे भी ले आओ, रुपया कमाओ, या हाथ मिला है रुपया कमाने के लिए, धन कमाने के लिए। अर्थ का मतलब ये होता है कि मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझो कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला। वो स्वामी जी ने लिखा ना कि यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी, विषय वासनाओं के लिए यह मनुष्य शरीर मिला नहीं तो किस लिए मिला। उस मनुष्य शरीर को उन्होंने क्या बताया, का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जे पर लोक संवार, सो परत दुख पावही सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। यह साधना का घर है, पूजा का मंदिर है, मोक्ष का दरवाजा इसी में है। मोक्ष किसको कहते हैं, शमशान घाट पर जाते हो तो वहां पर लिखा रहता है मोक्ष धाम, मुक्ति धाम। तो मोक्ष का मतलब क्या होता है, जहां से फिर वापस आना ना हो। बोर्डा लेकर के कोई जाए, लकड़ी ना मिले, बिजली ना रहे, आधी आफत आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए जलाने में, तो चाहे 2 दिन रुकना पड़े लेकिन मुर्दा को वापस नहीं लाता है, जला करके ही आता है। तो जहाँ से वापस ना आना हो वो मोक्ष कहलाता है। तो ये जीवात्मा का वापस आना कहाँ से नहीं होता है, सतलोक से, जहाँ से आई है। जब ये अपने घर अपने वतन पहुँच जाती है तो वापस नहीं आती है, न जाने कार्य में मिट्टी और पत्थर के घर को लोग अपना घर मानने लग गए। लेकिन सोचो कि बाप दादा जिस घर को यही कहते कहते चले गए, यह घर मेरा, यह घर मेरा, यह घर मेरा, उनको घर से निकाल दिया गया, तो आप जिसको अपना घर कहते उसमें रहने पाओगे। पैर पर ऐसे हाथ रखते हैं, कहते अरे भाई पैर ठंडा हो गया, और हाथ पर हाथ जैसे रखे बोले घर से बाहर निकालो, तुरंत सब निकालो, देर तो करते हो। तो क्या करते हैं, घर से बाहर उत्तर सिर करके लेटा देते। उत्तर सिर करके क्यों लेटाते हैं, शरीर के अंदर होते हैं सेल, वही शरीर को चलाते हैं, तो उत्तर दिशा में रख देने से अन्य समय लोग प्राण निकलने वाली शरीर को बड़ा जल्दी निकल जाते हैं, सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं, शरीर का सिस्टम बंद हो जाता है, प्राण जल्दी निकल जाते हैं।
क्योंकि किसी किसी को बड़ी तकलीफ होती है प्राण के निकालने में, जीवात्मा के निकालने में बड़ी तकलीफ होती है। मार मार करके यमराज के दूत पापी कुकर्मी जीवात्माओं को निकालते हैं, पापी कुकर्मियों के जीवात्माओं को निकालते हैं, तो टट्टी और पेशाब तक हो जाता है। फिर तो लोगों ने कहा भाई जल्दी करो निकालो। तो जिस घर को आने समय लो अपना कहता रहा, संवारता रहा, सजाता रहा, सब कुछ करता रहा, आने समय लो उसमें रहने देते हैं, तो ये अपना घर तो है ही नहीं। अपना घर कहाँ है? जहाँ सुख है, आनंद है। यह घर तो दुखों का सागर बन गया। हमारे पास एक बहुत बड़े आदमी आए, बहुत पावरफुल आदमी, कुछ तो हॉर्न बजवाते हुए लाते हैं, आते हैं, आगे पीछे वो फोर्स वाले पुलिस आती है, और कुछ धीरे से चले आते हैं, ऐसे चुपके से, किसी नहीं पता चलता है कौन है क्या है, साधारण आदमी की तरह से ऐसे चले आते हैं, लेकिन बड़े पावर वाले थे। तो बोले महाराज आपसे हमको कुछ बात करना है अकेले में। हमने कहा ठीक है, आइए। बैठाया तो कहा कि जीत करके सब जगह आता हूँ, और घर में जैसे पहुँचता हूँ बट से चेत हो जाता हूँ, गिर जाता हूँ, हार जाता हूँ, घर वालों से ही हार जाता हूँ। मैं तो बहुत परेशान हूँ, न ठीक से खा पाता हूँ और न ठीक से नींद ले पाता हूँ, बहुत परेशान हूँ। रो रो, आप क्या करें बताइए, आप उपाय बताइए। ऐसा अब आप ये समझो कि ये आने समझ लो कि यह घर दुखों का संसार हो गया, और वो वहाँ तो कोई रोना धोना है ही नहीं, वहाँ तो दुख संताप है ही नहीं, वहाँ तो पूर्ण पाप भी खत्म हो जाता है, क्योंकि पूर्ण करो तो स्वर्ग में जाओ, और स्वर्ग से भी एक दिन ढकेले जाना पड़ता है, पूर्ण छीड़े मृत्यु लोके, तो फिर तकलीफ होती है, जन्मना मरना पड़ता है। तो अब आप ये समझो वहाँ पूर्ण पाप भी नहीं है। संत क्या करते हैं, पुण्य और पाप दोनों कर्म नष्ट कराते हैं। पाप पुण्य जब दोनों नाश है तब पावे मम पूर्वास है। तो समझो कि वो यानी घर अपनी ये जीवात्मा पहुंच जाए और फिर वापस ना आवे तो वो असला मुक्ति कहलाता है। तो रास्ता आज आपको बताऊंगा, नए लोग जो आए हो, आप बहुत लोगों को बताया भी जा चुका है, गुरु महाराज ने भी बहुत लोगों को बताया कि जिससे इसका मोक्ष हो जाए, मुक्ति मिल जाए इस जीवात्मा को, जिसलिए यह मनुष्य शरीर मिला। तो अब आप ये समझो कि अर्थ का मतलब ये होता है कि दया करो। अर्थ धर्म, धर्म किसको कहते हैं, दया धर्म, दया धर्म बहुत बड़ा धर्म बताया गया। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। दया धर्म बहुत बड़ा धर्म है। तो कहते हैं जीवों पर रहम करो, दया करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बताया गया कि मालिक और रहमान है तो उसी के सब बंदे हैं, उसी के नूर हैं सब, जितने जीव हैं उसी के हैं, तो उन पर दया करो, उन पर दया करो, और अपनी आत्मा पर भी दया करो। और आपने अपनी आत्मा पर दया नहीं किया तो ये फंस जाएगी, नरकों में जाएगी, और वहाँ एक दो दिन रहना नहीं, बड़ी मार खाना पड़ता है नरकों में, और लाखों वर्ष रहना पड़ता है, करोड़ों वर्ष रहना पड़ता है। देखो चार युग है, सतयुग, त्रेता द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की उम्र है 17 लाख वर्ष के करीब, सतयुग की उम्र है 13 लाख वर्ष के करीब, आप समझो कि द्वापर की अन्य त्रेता की उम्र है 8,35,000 वर्ष, द्वापर की उम्र 4,64,000 वर्ष द्वापर की, और 4,35,000 वर्ष कलयुग की, ये उम्र है। ये चारों युग जब बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनमंत्र होता है, 14 मनमंत्र जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है, एक एक कल्प, एक एक नरक में कर्म के अनुसार रहना पड़ता है। उसके बाद में कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा बंद की जाती है, फिर वहाँ से छुटकारा मिलता है, तो 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है। अब मनुष्य शरीर भी मिल गया लेकिन सदगुरु नहीं मिले, कोई रास्ता बताने वाले मिले नहीं, तो कहा भटक भटक सब भटका खाया, और सदगुरु बिन कोई रह न पाया, रास्ता मिलते नहीं, तो फिर
लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके फिर आना पड़ता है। तो कहा इस पर दया करो, ये काटी न जाए, सड़ाई न जाए, गलाई तपाई न जाए, यानी समझ लो यह बहुत बड़ा धर्म है, रक्षा करना बहुत बड़ा धर्म है। असला काम यही है कि जीवात्मा की रक्षा किया जाए, और इस शरीर के रहते रहते साधना का घर जो बताया गया, इससे साधना करके और जीवात्मा की आने समय लोग की मुक्ति करा दिया जाए, इसको मोक्ष दिला दिया जाए। तो ये सब कुछ आने समय लोग की आप लेकर के आए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। लेकिन मतलब अगर नहीं समझ पाए तो सुख तो खोजते हो, लेकिन सुख यहाँ है ही नहीं, तो आने समय लोग रोना धोना ही पड़ता है, रोते ही जिंदगी बीत जा रही। कैसे पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, पढ़ाई कर लिया नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे। हम तो दौरा करते रहते ना, तो हमको मिल जाते हैं, महीना दो महीना में मिल जाते हैं। तो कोई तो कहता है कि घर में रोटी बनाने वाला कोई नहीं है, सहारा हो जाए रोटी का। कोई कहता माँ की सेवा करने वाला नहीं है, दया हो जाए सेवा करने वाला आ जाए। और कोई कोई तो सीधे कहता है शादी करवा दीजिए, शादी नहीं हो रही है। लेकिन दो चार महीने में ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते छुड़वा दीजिए, जान के लाले पड़ रहे, जीना मुश्किल हो रहा है। तो जिसकी नहीं हुई वो भी रो रहा, अब जिसकी हो गई वो भी रो रहा, जिसके लड़के नहीं वो भी रो रहा, और जिसके कई लड़के हो गए वो भी रो रहा। कैसे भी बता दे, लड़का जिसके नहीं हो रहा है, कहो तो सब कुछ करने को तैयार, कह दो चलो मजार पर चंद्र चढ़ा दो, गया में पिंडदान कर आओ, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाओ, चलो गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में नहा करके डुबकी लगा करके कोट मांग आओ, सब करता है। और नहीं हुआ तो कोई जवान का स्वादी मिल गया कि मुर्गा काट करके चढ़ाएगा, बकरा काट के चढ़ाएगा, पकेगा तो हमको भी खाने को मिल जाएगा। तो वो तो यही सलाह दे देता है, अरे बकरा काट करके चढ़ा दे देवता के मूर्ति के सामने, बस तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और देवता लेवता भैया कब से हो गए, देवता जब खुश हो जाते हैं तो देते ही हैं, लेते नहीं हैं। तो जान के बदले जान आने वो लेंगे, जान तो बचाते हैं, जान की रक्षा करते हैं। अभी रोटी न मिले समय पर, जाड़ा गर्मी बरसात न हो, आने समय लोग तो भी धूप बंद हो जाए, शरीर रोगी हो जाए, आप समझो हवा बंद हो जाए, मर जाए आदमी, बारिश न हो, अन्न की पैदावार न हो, तो अन्य प्राणी कल युग कहा गया कैसे जी पावे। तो इन सब चीज़ों को तो देते हैं देवता, उनका काम यह है, मुक्ति मोक्ष तो नहीं दे सकते। आने समय लोग कि वो आने समय लोग खुद तरसते हैं इस मनुष्य शरीर के लिए, न समान न कोनो देही, और जीव चराचर जाते ही, जितने चराचर की जीव सब मनुष्य शरीर को तो मांगते रहते हैं, क्योंकि मुक्ति और मोक्ष का दरवाजा तो इसी में है। लेकिन वो इन सब चीज़ों को दे देते हैं आदमी के सुख सुविधा के लिए, तो जान नहीं लेते हैं वो। अब आप ये समझो कि देवता भी किसको मान लेते हैं लोग, उसको जो आदमी बनाता है, उनको जिनको देवता को आदमी ने देखा भी नहीं, दो बात भी नहीं किया, पत्थर काट करके मूर्ति बना करके स्थापित कर दिया और मान्यता दे दिया। मूर्ति बनाने वाला भी आदमी, स्थापित करने वाला भी आदमी, और मान्यता देने वाला भी आदमी, आदमी तो है। अरे भाई वो देवता जिनके सामने बकरा चढ़ाते हैं काट करके, मुर्गा चढ़ाते हैं, भैंसा चढ़ाते हैं जिनके मूर्ति के सामने, अगर वो बोलने लग जाए, दुर्गा जी तलवार दिखाने लग जाए कि हमारे सामने हिंसा हत्या नहीं करोगे, सिर किसी का नहीं चढ़ाओगे, तो आने समय लोग डर के मारे उनके नज़दीक नहीं जाएंगे कि कहीं काट न दे तलवार से। हनुमान जी गदा दिखाने लग जाए तो
हानि कोई उनके सामने पापी जाएगा? कभी नहीं। वो तो ऐसे ही खोलते ना, बोले ना डोले, और कुछ भी करो, कुछ भी ना देखे, कुछ भी कहो, कुछ भी ना सुनाए, ऐसे ही को भगवान मान लेते हैं, देवता मान लेते हैं, और प्रसाद चढ़ाते 11 रुपए, 11 लाख की लॉटरी मांग लेते हैं कि 11 लाख की लॉटरी खुल जाए। ऐसे ही आप समझो कि पापों को गिनाने लग जाए अभी देवता, और कहने लग जाए तुमने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, तो डर के मारे लोग ना जाए कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए, खोल ना खुल जाए। तो अब आप ये समझो कि चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए कि मानो तो देव और नहीं तो पत्थर, लेकिन हिंसा हत्या तो न करो, मुर्गा भैंसा तो न चढ़ाओ, कभी भी बलि नहीं चढ़ाना चाहिए, कभी भी प्रेमियों बलि मत चढ़ाना, और प्रचार कर देना इस बात का कि देवताओं के मूर्ति के सामने कोई भी जानवरों के सिर को काट कर न चढ़ाएं, हिंसा हत्या उनके लिए न करें, नहीं तो पाप के भागीदार हो जाएंगे और पाप की सजा भोगनी पड़ेगी। कर्मों की सजा सबको भोगनी पड़ती है, कर्म प्रधान देश ये कहलाया, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, और जो जस के इन सुतस फल चाखा, सजा सबको मिली। धृतराष्ट्र ने कहा कृष्ण से कि मैं अंधा क्यों हो गया? बोले तुम्हारे कर्म खराब थे। कहा उन्होंने कि इस जन्म में तो मैंने कोई ऐसा बुरा कर्म किया नहीं कि जिससे अंधा हो जाऊं। बोले पीछे जन्म में? उन्होंने कहा 100 जन्मों का मुझे याद है। बोले और पीछे देखो, 106 जन्म के पीछे जो बुरा कर्म बन गया था उनसे, उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा था। तो कर्मों की सजा मिलती, इसलिए बचना और लोगों को भी बचाना, हिंसा हत्या करने से, बलि चढ़ाने से बचना और बचाना। तो देखो जिसके लड़के नहीं होते बलि भी चढ़ा देता है, लेकिन जिनके 4 लड़के हैं, कहो दादाजी काका जी आप बड़े भाग्यशाली, आपके 4 लड़के 4 बहुएं खूब सेवा करते होंगे। तो बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, अब बैठ जाओ उसके पास और कहो काका ऐसा क्यों कहते हो, आपने तो अपने लड़कों को पढ़ाया लिखाया और कमाने वाले लड़के बन गए, पढ़ लिख करके, पढ़ी लिखी बहू भी ले आए, तो क्या बहू आपको बना के खाना खिलाती नहीं है, क्या बच्चे आपके कमा करके लाते नहीं हैं, रुपया पैसा नहीं देते आपको, आपका हाथ पैर दबा के आपकी सेवा नहीं करते हैं? तब बुढ़ा कहता है क्या बनाती क्या खिलाती है, वो तो बनाती जाती है, उसी हाथ से खाती जाती है, काका ऐसा क्यों करती है, पूछा नहीं? पूछा। तब कहती है कि टेस्ट करके बनाती हूँ, खराब न बन जाए। काका टेस्ट करके क्यों बनाती है? अरे उसकी माँ ने तो रोटी बनाना सिखाया ही नहीं, बस वो तो पढ़ाती रही पढ़ाती रही पढ़ाती रही, बस मेरी बेटी कलेक्टर कमिश्नर बन जाए, वकील बन जाए, डायरेक्टर बन जाए, बस इसी चक्कर में तो उसको कुछ सिखाया ही नहीं, न झाड़ू लगाना, न कपड़ा धोना, न रोटी बनाना, ये तो बुनियादी काम है। पूछा एक दिन कि तू शहर में थी तब वहाँ पर तू बनाती खाती नहीं थी? बोले होटल में खाते थे। बताओ क्या जमाना आ गया, पहले लोग घर में खाना घर में खाते थे, टट्टी मैदान के लिए बाहर जाते थे, अब टट्टी मैदान लेटरिन घर में करते हैं, खाने के लिए बाहर जाते हैं, होटल में जहाँ 3-3 दिन की दाल खिलाते हैं, 3 दिन की दाल खिला देते हैं, हाँ हाँ 3 दिन की दाल खिला देते हैं। काका आपने खाया कभी? मैं तो कभी होटल की तरफ देखने वाला नहीं। तब कैसे पता चला? अरे वो होटल वाला ही बता रहा था कि हमारी कोई चीज़ नहीं बचती, नुकसान कुछ होते ही नहीं, चावल बच जाता है तो दूध डाल के खीर बना देता हूँ, और सब्जी तो उबाल के रखता हूँ, जब आते हैं तब फ्राई करके देता हूँ, और अन्य समय लो कि दाल तो जब सड़ जाती है खट्टी हो जाती है, और तड़का लगा के देता हूँ तो उसी को मांग मांग के खाते हैं, खटाई वाली दाल लाओ खटाई वाली दाल लाओ। तो अब आप ये समझो कि बुढ़ा ऐसा कहता है, तो काका
रुपया पैसा बच्चे नहीं देते, रुपया पैसा ये क्या कमाते, ये क्या खाते, ये क्या करते हैं, हम आपको क्या बताऊं। इनको तो हमने बहुत कुछ सिखाया, सिखाया कि सुबह जब उठो तो धरती को प्रणाम करो, भगवान का नाम लो, बूढ़े बुजुर्गों का प्रणाम करो, बूढ़े बुजुर्गों का पैर छुओ, तटीय मैदान नहाओ धो और गर्म भोजन खा करके पढ़ने लिखने नौकरी काम के लिए जाओ। लेकिन अब ये 9 बजे उठते हैं फिल्मी गाना गाते हुए, खड़े खड़े टट्टी, खड़े खड़े पैसा, खड़े खड़े खाते हैं। एक दिन कहा बैठ के खा ले, अरे ताजा ताजी रोटी बनी है, ले ले मक्खन लगा के खा ले। तो कहता नहीं, डबल रोटी खाएंगे। बताओ 8 दिन की बनी हुई रोटी, कहता डबल रोटी खाएंगे। तो ये तो खाना नहीं जानते, पैसा पहनना नहीं जानते। पैसा जैसे जैसे होता गया तैसे खाना छूटता गया, तैसे समझ लो कि इनका शरीर यानी नंगा होता गया। बताओ नेकर बनियान पहन करके चले जाते हैं दफ्तर में बाजार में, तो कहा कि तेरे कपड़े नहीं है पहन ले। बोला फैशन हो गया है, वहा जाए ऐसे फैशन पर। बताओ बहू फटा पैंट पहनती है। बुढ़ा ऐसा बोलता है, बुढ़ा कहता सब प्रोटरी का ये भूल गए, और इसीलिए इनका देखो शरीर रोगी रहता है, समय से कोई काम ये कर नहीं पाते हैं। इनको मालिक पर से भगवान पर से विश्वास हट गया, ये तो बस यही कहते हैं कि हम ही कमाएंगे, हम ही लाएंगे, तभी होगा। लेकिन सोचो कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश तो वो करता है, देता खिलाता वो है, लेकिन उस पर से भाई इनका विश्वास गया हट। अब कैसे भी लाओ, मार के लाओ, लूट के लाओ, दिल दुखा के लाओ, झूठ बोल के लाओ, बेईमानी करके लाओ, ये लाते तो बहुत हैं, लेकिन पता नहीं चलता कहाँ चला जा रहा है, कमाई की बचत कुछ नहीं दिखाई पड़ रही। तो काका कुछ देते नहीं है आपको रुपया कमा करके, क्या देते हैं, सबकी नज़र तो हमारी तिजोरी पर ही है, इसीलिए तो हम भाई पैर नहीं दबवाते हैं इन लोगों से। अरे काका पैर क्यों नहीं दबवाते हो, सेवा तो बुढ़ापे में कराना चाहिए, नसों में रक्त का संचार कम हो जाता है, दबा देने से, रगड़ देने से तेज हो जाता है, फिर शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, तो काका ऐसा क्यों नहीं करते हो। इसलिए कि पैर दबाते दबाते कहीं गला न दबा दे, तिजोरी की चाबी के लालच में। तो बुढ़ा ऐसा बोलता है, अब आप ये समझो कि न राजा को शांति, न रैयत को शांति, और न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। जिसके पास रुपया पैसा नहीं वो भी दुखी, और जिसके पास ज्यादा है वो भी दुखी। बड़े बड़े सेठों को नींद नहीं आती, नोटबंदी हुई 3 दिन सेठ बस टहलता ही रहा, उठता बैठता रहा, चारपाई पर नींद नहीं आवे। तो लड़का लेकर के गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा क्या हो गया सेठ जी को, बोले नींद नहीं आ रही है। अरे तो नींद की गोली दे दी होती, बोला 3-3 गोली दे दिया। डॉक्टर भी सोचने लगा आप कौन सी दवा दें, तब तक लड़का बोल पड़ा साहब 4थी गोली दे दें, 4थी गोली दे तो दोगे, सो तो जाएंगे लेकिन ये उठ नहीं पाएंगे, सोते ही रह जाएंगे, यही 3 गोली बहुत ज़्यादा हो गई। तो अब आप ये समझो कि गोली खाने पर भी नींद नहीं आती है, तो इन सब चीज़ों का कारण क्या है। कारण यही है कि इस तरीका सीख नहीं पाए, सत्संग मिला नहीं, संतों के पास गए नहीं, इसीलिए देखो लोगों को बरकत नहीं मिल रही है। देखो खेत में खेती किसान करता था और अनाज जब पैदा होता उसी समय संकल्प बना लेता था कि देखो इसका 10वां अंश इतना होता है, इतना हमको खर्च करना है धर्म के काम में, तनख्वाह मिलता था। आने समय लोग की व्यापारी हिसाब जब करता था तो 10वां अंश अच्छे काम के लिए निकाल ही देता था, और अब
अब तो समझ लो कि अन्य जो मिला उसका एडवांस भी अगर मिल जाए आदमी को एक महीने का, तो वो भी सब काम में अपने ले लेता है, अपने तन के काम में, अपने मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के काम में, सुख सुविधा के काम में ले लेता है। तो बरकत कहाँ से होगी? बरकत तो खास चीज होती है, थोड़ा हो जाए और समझ लो कि बरकत मिल जाए तो उसी में पूरा पड़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा कमाओ तो बरकत छीन ले जाए तो अनिहाय हत्या लगी रहती है। जुआरियों के पास कोई बरकत नहीं होती है क्योंकि मेहनत करके वो लाते नहीं हैं। वो तो जेट करके दो घंटे में लाखों रुपया चले आते हैं, लेकिन उनके पास रहता है जुआरियों के पास लक्ष्मी को जो दांव में लगा करके लाते हैं, उनके पास लक्ष्मी नहीं रुकती है, दूसरे दिन फिर हार जाते हैं। और जो मेहनत करके आदर के साथ सम्मान के साथ लाते हैं, उनके पास लक्ष्मी रुकती है, बरकत मिलती है। आप देखो बीमारियां लोगों का साथ नहीं छोड़ रही हैं, लड़ाई झगड़ा घर घर में, पूछो तो हम बता देंगे, ये ना बताऊं तो हम बता देंगे, एक नहीं कईयों को बताऊंगा, 150 को बता दूंगा इतने में कि इनके घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता है। यह भी बता दूंगा कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है, रोज होता है। बूढ़े जवान भले ना लड़ें, लड़के ही बाल गाल नोचते रहते हैं एक दूसरे का, रोते ही रहता है कोई ना कोई बच्चा घर में। तो इन सब चीज़ों का क्या कारण है? कारण यही है कि खाना पीना उठना बैठना तौर तरीका पूजा पाठ सीख नहीं पाए, मनुष्य शरीर पाने का मतलब समझ नहीं पाए। मोटी मोटी बातें आज आपको बता देता हूँ। देखो मनुष्य शरीर का यह जो खून है ये शाकाहारी, और मांस जब कोई खाता है उससे जो खून बनता है तो खून बेमेल हो जाता है, जब बेमेल हो जाता है तो समझ लो कि शरीर अस्वस्थ हो जाता है। बेमेल किसको कहते हैं? बूढ़ा बीमार हो गया, डॉक्टर कहता खून की कमी हो गई चढ़ाना पड़ेगा, लड़का कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए, डॉक्टर कहते तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता, भाई कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए, कहता तुम्हारा भी ग्रुप नहीं मिल रहा है, तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ सकता है। अब बताओ एक ही माँ के पेट में एक ही रजवीर से दोनों बनी, और एक ही माँ ने दूध पिला के दोनों को बड़ा किया, अब खून नहीं मिल रहा, इसका मतलब एक शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी हो गया, जिससे खून बेमेल हो गया, और खून से का असर बुद्धि के ऊपर पड़ता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते दिमाग काम नहीं कर रहा है, चक्कर आ रहा है, डॉक्टर जब नापता है तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, खून का दौरा तेज हो गया। क्यों होता है? क्योंकि मांसाहारियों के खून में तेजी रहती, और जब गर्म हो जाता है खून तब क्या होता है? क्रोध आता है। क्रोधी लोग कहते हैं ना कि हट जाओ मेरी नजरों के सामने से, मेरा खून खौल रहा है। तो अब आप ये समझो कि खून खौल जाता गर्म हो जाता है तो क्रोध ज़्यादा आ जाता है। देखो शांत स्वभाव के होते हैं शाकाहारी, कौन? गाय बैल और कुत्ता, मांसाहारी है, क्षणिक देर में पिनकता है, कुत्ता कुत्ता को देख ले तो रोटी छोड़ करके जाता है नोचने के लिए, बहुत जल्दी खून खौल जाता है, मर्जी के खिलाफ उसके आ जाता है ना, वो नहीं चाहता है कि हमारे जहाँ रहते हैं वहाँ और कोई दूसरा कुत्ता आवे, तो अब मर्जी खिलाफ हो जैसे खून खौल गया तो जल्दी खून खौलता है। आजकल लड़ाई झगड़ा यानी ज़्यादा क्यों होता है? इसी वजह से, मांसाहार की वजह से। इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए और कम खाना चाहिए, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, और नहीं तो अगर ज़्यादा खा लिया तबीयत खराब हुई, दर्द हुआ पेट में और डॉक्टर के पास गए, पैसा जमा कराएगा और ऑपरेशन कर देगा, तुरंत पेट काटेगा। अभी कोई गारंटी नहीं है कि एक बार ऑपरेशन करा लिया तो छुटकारा मिल गया, दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, जब फिर बता दिया ऑपरेशन, कहा डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करना, टाँका मत लगाना, सिलाई मत करना, चैन लगा देना चैन, और या तो बटन लगा देना,
जब दोबारा आऊं बस बटन खोल के ऑपरेशन कर देना। बार बार ऑपरेशन करते हो, सिलाई करते हो, दर्द करता है, पट्टी करानी पड़ती है। इसलिए डॉक्टर साहब अब आप टांका मत लगाना, सिलाई मत करना। तो कोई गारंटी नहीं कि एक बार करा लो तो फिर न कराना पड़े ऑपरेशन। इसीलिए कहा जाता ऑपरेशन से बचो। एक तो पेट भी फड़वाते और पैसा भी देते, तकलीफ भी झेलते हैं, तो क्या फायदा। अब ऑपरेशन डॉक्टर क्यों करता है? क्योंकि पढ़ाई किया, नाम लिखाया डॉक्टरी में, तो उसमें दिया डोनेशन 50 लाख 40 लाख। लौट के आया तो 20 करोड़ कर्जा लिया, नर्सिंग होम बनवाया, अस्पताल। अब 500 रुपये के फीस से वो ब्याज भर पाएगा? हाँ, तो वो तो बस देखते रहता है कोई ज़्यादा तेज रोने चिल्लाने तड़पने वाला आ जाए जल्दी से। कोई गया हल्दी खरीदने, तो बोला हल्दी क्या भाव है? तो कहा जैसा चोट दर्द करे। जब बहुत चोट ज़्यादा दर्द करता है, दर्द किससे जाता था पहले? हल्दी से। तो कहा अगर बहुत तेज चिल्ला रहा, चोट ज़्यादा दर्द कर रहा तो इसका दाम बढ़ जाएगा, और अगर खाने के लिए ले जा रहा है तो उसका दाम कम हो जाएगा। जैसे आप कोई नट खरीदने के लिए जाओ और वो पूछे किस लिए ले रहे हो, अरे चारा काटने वाली मशीन में लगाने के लिए, तो 10 रुपया 15 रुपये दे देगा। और कहो कार में लगाने के लिए ले जा रहे हैं तो वही 200 300 500 का देगा। ऐसे मौके का लोग लाभ उठाते हैं, लेकिन उठाना नहीं चाहिए। संत मत में तो उतना लेना चाहिए जितना उसका हिस्सा बनता है। ज़्यादा लोगे तो तकलीफ दे करके जाएगा, मुनाफा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। कहा ना, चोरी जुआ मस खरी, ब्याज घूस पर नार, और जो चाहे दीदार को या तो वस्त निवार। ये नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। मुनाफा खोरी से ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आ जाता है तो उसी तरह से चला जाता है। तो समझो आप कि जो है डॉक्टर मजबूर है, वो भी पैसा लेता है। दूसरा कारण क्या है कि इस शरीर को चलाने वाली जो जीवात्मा है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में यहाँ बैठी हुई है। यहीं से यानी पूरे शरीर का यह संचालन करती है। चक्र यहीं के इसी के असर से चलते हैं, शरीर चलता है। इंगला पिंगला सुषुम्ना ये तीन नाड़ियाँ शरीर को चलाती, और उनसे 72,000 नसें निकली हुई हैं नाड़ियाँ। तो बहुत सी नसें ऐसी हैं कि जिनको देख नहीं सकते हो, माइक्रोस्कोप से भी वो नहीं देखी जा सकती। और वो नसें जब कट जाती हैं ऑपरेशन में तो सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए ऑपरेशन से। तो कम खाओगे तो बीमारी आएगी नहीं, शरीर स्वस्थ रहेगा, आराम से हजम हो जाएगा, मशीन पर लोड पड़ेगा नहीं, आराम से हजम हो जाएगा। और कहा गया गम खाओ। गम खाओ का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करो। अब आजकल बर्दाश्त की शक्ति देखो लोगों के अंदर से ख़त्म हो रही है। यह भी एक लड़ाई झगड़ा का कारण बन रहा है। अब अगर बर्दाश्त की शक्ति आ जाए तो ये जो सास और बहू का झगड़ा है ये ख़त्म हो जाए। न भी सत्संगियों के यहाँ सास और बहू लड़ती हूँ, लेकिन इनका झगड़ा मशहूर है, सब के यहाँ हो जाता है, टकराहट हो जाती है, विचार में खिन्नता हो जाती है। अहम उभर करके आ जाता है कि हमने घर को बनाया, मेहनत किया, और बहू सोचती है कि हम तो सब साजो सामान लेकर के आए, पढ़ी लिखी, कैसे सेट हो पाएंगे। दोनों जब ये सोचेंगे, अरे एक कोई आग हो तो आप हो पानी, किसी को गुस्सा हो दूसरा चुप हो जाए, तो अन्य समझो कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कोई सास कड़क होती है और कोई बहू कड़क होती है, उसका क्या कारण है? कारण यह है कि स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। कहा गया संतों की महिमा अनंत अनंत क्रिया उपकार। संतों की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और संत में लोगों ने सतपुरुष को देखा, उनको तदरूप माना। पैदा तो होते हैं माँ के पेट में ही पल करके, लेकिन यानी उनका जो उनकी जो जीवात्मा होती है, यानी समझ लो वो संस्कारी होती है।
और जल्दी से उस समय पर जो सदगुरु होते हैं उनके पास वो चले जाते हैं, खींच जाते हैं, उसके लिए उनको पाने के लिए तड़प जग जाती है। तो जब वहाँ पहुँच जाते हैं और उनसे दया ले लेते हैं, अपनी आत्मा को जगा लेते हैं, मालिक तक पहुँच जाती है, तो ताकत उनमें आ जाती है। तो वो ताकत हर अंग में आ जाती है, उनके दृष्टि में आ जाती है, हाथ में, पैर में, हर शरीर के अंगों में आ जाती है ताकत। तो कहा गया कि जो जीव संत के शरीर से छू जाते हैं उनको मनुष्य शरीर मिल जाता है। जब घोड़े पर बैठकर घोड़सवारी कर लेते हैं दया हो जाती है, मनुष्य शरीर मिल जाता है। जिस पैर का दातून कर लेते हैं दया हो जाती है, मनुष्य शरीर मिल जाता है। ऐसे तो जड़ से इसमें चेतन में आना पड़ता है। जो अन्य स्थावर हैं वो डायरेक्ट मनुष्य शरीर में नहीं आते, ये सिस्टम है। वो तो और योनियों में जाएंगे, उखमज में जाएं या समझो अंडज में जाएं, फिर पिंडज में आते हैं। लेकिन संत की अगर दया हो जाए तो सीधे मनुष्य शरीर दिला देते हैं, सीधे। जड़ को अन्य समझ लो, जड़ जीव पर दया हो जाए तो सीधे मनुष्य शरीर दिला देते हैं, और ऐसे घर में डालते हैं कि जैसे जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंच जाए, सत्संगियों के यहाँ जन्म दिला देते हैं। एक आदमी ने हमसे कहा कि सत्संगियों के यहाँ लड़कियां बहुत पैदा होती हैं। तो हमने कहा दया हो रही है उनके ऊपर? बोले ये कौन दया, चार चार लड़की एक साथ हो जाए एक जन के घर में, तो लड़के के लिए तो सब लोग तरसते रहते हैं। पुरुष लोग तो कहते हैं अरे घर से निकाल दिया जाए, दूसरी कर लिया जाए, बच्ची ही पैदा कर रही है। अरे भाई ये फंसी रह गई बहुत दिनों से, ये जा नहीं पाई। कैसे? क्योंकि ये पति की सेवा करके पार होती थी पहले, और पति अपने लिए ही नहीं कर पाया पार होने का, तो ये बेचारी कहीं फांस। अब इन जीवात्माओं पर संत की हो रही दया, और दया हो रही है तो फिर अब वो वहाँ जा रही हैं सत्संगियों के यहाँ, और जल्दी से पहुँच जाएंगी। आप समझो कि गुरु मिल जाएंगे, गुरु के पास पहुँच जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा और भजन करके पार हो जाएंगे। कुछ गुरु की जिम्मेदारी बन जाएगी पकड़ने की, या बाँव पकड़ने की लाज कहेंगे, और कुछ वो समझ जाएंगे सुन करके कि भाई कहीं हम फंस न जाएं, इसलिए इसी जन्म में हम पार हो जाएं, दुख के संसार में दोबारा फिर ना आना पड़े, तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो अब आप ये समझो कि यानी ये समझो कि दया जब हो जाती है तो मनुष्य शरीर तो मिल जाता है, लेकिन स्वभाव जल्दी नहीं छूटता। मान लो कोई भैंसा है, भैंसा के ऊपर हाथ फेर दिया या देखते ही दया हो गई। तुम लोग गुरु महाराज जब किधर से जाते थे, गौशाला है या गाय बैल या कहीं खड़े हो गए तो ऐसे देखते रहते थे ऐसे, और गुरु महाराज भी ऐसे देख करके दया डाल देते थे उनके ऊपर, हम मनुष्य जी पा जाते थे, मनुष्य जी का अधिकारी हो जाते थे, वो पा जाते थे ना कुछ ज़्यादा वो करें तो भी, आने समझ लो कि थोड़ी भी अगर देख ही लें उनको प्रेम से तो दया जारी हो जाती थी। तो मनुष्य शरीर तो मिल गया भैंसा को, लेकिन स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। जैसे भैंसा गुर्राता रगड़ता सिंह मारता चलता है, ऐसे आदमी भी ऐसा हुआ चलता है। मान लो कोई बकरी उनकी जीवात्मा है, औरत बन गई, जैसे बकरी दिन भर में म्या 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 चिल्लाती रहती है, ऐसे औरत भी बोलती रहती है। अब मान लो इसी तरह की दोनों हैं, तो कोई ये जरूरी नहीं है कि ये कहीं जगह की हैं, कोई स्वर्ग वैकुंठ की आत्मा यहाँ उतार दी गई है और कोई इन योनियों की आई है, तो उनका तालमेल जल्दी नहीं खाता है। तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए ये भी बता दूंगा आपको। एक सत्संगियों की लड़की अपने माँ के साथ आई मेरे पास, तो माँ ने कहा महाराज इसको समझाओ, ये कह रही अब हम ससुराल नहीं जाएंगे। तो हमने कहा बच्चे क्या बात हो गई? बोले महाराज जी आप ही कहते हो सत्संग में कि किसी को लठ मार दो, घाव हो जाए तो वो घाव भर जाता है और बातों का घाव नहीं भरता है, इसलिए ऐसी कड़क बात नहीं बोलनी चाहिए कि अंदर जगह बन जाए, गांठ बन जाए, घाव बन जाए।
तो हमारी सासू माँ तो इतना कड़क बोलती हैं कि घाव बन जाता है, वो घाव भरते नहीं, वो बातें भूलती नहीं हैं, खाने पीने में भी वही बातें याद आती रहती हैं, सुमिरन भजन में भी वही बातें याद आती रहती हैं। तो मैं तो ऊब गई, अब उस घर में पैर रखने की इच्छा नहीं हो रही है। और महाराज जी आप भी मत कहना अब उस घर में जाने के लिए। तो हमने कहा तू सुनते क्यों है? अब और गुस्से में बोली तो कहाँ घर छोड़ के चली जाए? अरे हमने कहा तो इसको भजन करने के लिए बताया गया, तू कान में उंगली लगा ले, आंख बंद कर ले और बैठ जा सुनने के लिए ऊपर की आवाज को, मधुर वाणी को। तो कड़क आवाज उनकी क्यों सुनती है, गाली गुप्ता देती है क्यों सुनती है? अरे तू ना उनकी तरफ देखेगी तो हाथ पैर से क्या इशारा कर रही, आंख मुंह से तोड़ आने समय लोग गुस्सा तेरे को आएगा नहीं। और तू उनकी बात नहीं सुनेगी तो तेरे अंदर कोई बात नहीं आएगी, तो तू न सुन न देख, तू भजन पर बैठ जाया कर। तो बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उस बच्चे ने बात को पकड़ा। बहुत से लोग आते ना सत्संग सुनने के लिए तो सुन करके चले जाते हैं और पूछो तो एक बात भी याद नहीं रहती है, एक बात भी नहीं, क्योंकि वही आदत बनी हुई है कि वही हारमोनियम को गाजा बाजा सुनने के लिए पहले जाते थे और फिर वही गाना और आलाप वही सुन करके चले जाते थे। लोग पूछते तो कहते हारमोनियम बहुत बढ़िया बज रहा था ढोलक, ऐसे वही आदत बनी हुई। एक शेर था ना, रोज जाता था सत्संग सुनने। तो एक दिन उसके लड़के ने कहा हम चले जाएं पिताजी, बोले तुम ही चले जाओ, अब सुन करके सीख करके समझ करके आया। रात को सो गया, सुबह जब दुकान खोला तो आटा छना हुआ चोकर पड़ा हुआ था बाहर। अब एक भूखी गाय आई और उसी में ऐसे मुँह डाला भर दिया मुँह में और वही छोड़ी डोर पर खिसक करके खाने लगी। तो उसने कहा भूखी है, कहा था दया करना चाहिए, भूखे को खिलाना चाहिए और प्यासे को पानी पिलाना पूरे का काम होता है, खा लेने दो। फिर दोबारा खाने के बाद जैसे फिर मुँह लगाया तैसे सेठ आ गया ऐसे अंदर से और लठ उठाया। तो सबसे पहले तो गया गाय को मार के भगाया और फिर लड़के पर बिगड़ा, अरे नाश काटा तू नाश काटेगा, गाय को तूने हटाया नहीं, देख खा गई एक किलो दो किलो खा गई। उसने कहा पिताजी बहुत है अपने पास, खा लेने दो, भूखी थी तो क्या हुआ। यह अकल तूने कहाँ से सीखी? अरे कहाँ से सीखी, बोल 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 अकल कहाँ से सीखा तूने? कहा वो सत्संग में कल गए थे तो वहीं सब ये सब बातें बताई गई थी। बोला नाश कर दिया तूने, 40 साल से सत्संग सुनने जाता हूँ, एक भी बात वहां की यहां तक नहीं लाया, सब वहीं छोड़ जाता हूँ। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि पकड़ लेते हैं बात को, जैसे चीटा जिस चीज को पकड़ लेता जल्दी नहीं छोड़ता है, छोड़ता है। कुछ चीटे ऐसे होते हैं जिन चीटों के पास बैठ जाओ और चीटा अगर पैर में लगा हाथ में लगा तो जब खींचोगे तो बीच से टूट जाएंगे वो, लेकिन छोड़ते नहीं है जल्दी। ऐसे ही बातों को अन्य समय लोग पकड़ते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं श्रोता कि जैसे सूप अन्य समय लोग के ठोठा दे उड़ाए, अन्य साध साध को गह रहे ठोठा दे उड़ाए, जो उनके मतलब का होता है साध उसको ले लेते हैं और बाकी ये मनोरंजन के लिए या ऐसी चीजें जो ज्यादा थक जाते हैं लोग थोड़ा हंसा करके शिक्षात्मक बता दिया जाता है उसको छोड़ भी देते हैं, लेकिन सार को जरूर ग्रहण करते हैं, मतलब की चीज को जरूर ग्रहण करते हैं। तो अब आप ये समझो कि उस लड़की ने बातों को पकड़ा और अमल किया और जब दोबारा मिले तब पूछा बच्चे क्या हाल है, बोले अब बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा तू बैठने लगी थी, बोली बिल्कुल उसी तरह बैठे जैसे आपने बताया। तो हमने कहा बैठने के बाद तेरी सास कुछ बोली? बोले दो चार दिन तो बहुत बोली। बोली ये नाटक करती नौटंकी करती है, ये ओढ़ के बैठ जाती है, बोल 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 क्यों नहीं जवाब देती है इसका जो मैं पूछ रही हूँ। उसके बाद फिर ठंडी पड़ गई। और महाराज जी मैंने भी सोच लिया आपकी बातों को, याद किया कि आप कहते हो कि एक माँ को छोड़ करके आने आओ तो सास को ही अपनी माँ मान लो,
उनकी सेवा करो और उनसे तुम सीखो कुछ। जीवन का बड़ा अनुभव होता है, उनसे अनुभव होता है, उनको मिलेगा तुमको। महाराज जी मैंने विशेष किया, जब दिमाग से ये बात निकाल दिया कि इसी घर में रहना, इसी में जीना, इसी में मरना, तो मैं भी सेट कर गई। तो हमने कहा बच्ची तो बहुत अच्छी है, भजनों नंदी लड़कियां जो सत्संगियों की होती हैं, अन्य समय जो सब जगह जाती हैं वहाँ सेट हो जाती हैं और सेट कर लेती हैं। झगड़ा लड़ाई होता रहता है लेकिन उस झगड़े को सही कर देती। कैसे? ज़्यादातर घरों में क्या होता है, खाने पीने के लिए या लड़कों को खाने पीने खिलाने के लिए, उसी में होता है। अपने खाने जैसा जब बनाते हैं दूसरे का ध्यान नहीं रखते, तो सास को नहीं पसंद आता तो सास बोलती है, जठानी को नहीं पसंद आता वो बोलती है, अरे उन्हीं के लिए बना दो, पता कर लो पहले कि कैसा इनको अच्छा लगता है, उसी तरह बना दो, उसी तरह की बना लो, कोई दिक्कत नहीं रहती किसी के यहाँ। जैसा रहन सहन होता है उस हिसाब से सबके यहाँ व्यवस्था रहती है। बस एक बार पहचानना पड़ता है कि ये कैसा पसंद करते हैं, उस हिसाब से बनाओ तो खाने पीने का जो बढ़िया बना देता है खुश रहता है आदमी, उससे चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। दूसरी बात क्या होती है कि अपने अपने बच्चों को नहलाना धुलाना, अपने को खिलाना, दूसरे कोई ध्यान नहीं देता है, और दूसरे का अगर ध्यान देने लग जाए वो उनके बच्चों को खिलावा, उनको खिलावानी खिलावा पहनावा और नहलावा धुलावा उनको करो, तो अभी देखो खूब प्रेम हो जाए वापस में। तो तरीका होता है, गृहस्थी चलाने का तरीका होता है, और तरीका जिनको मालूम हो जाता है उनका यह गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा रहता है, और नहीं तो खींचातानी रहती है, इसी में दम घुटता है, आदमी घर छोड़ के भाग जाता है और ट्रेन जल के मर जाती हैं। तलाक के दहेज के मुकदमे चलते रहते जीवन भर, आने समय लो दौड़ लगाते रहो, पैसा खर्चा करते रहो, जूते घिसते रहो, पेशी करते रहो, तो क्या मतलब निकलेगा। देखो अने ये तो आपको सब बता रहा हूँ, तरीका क्या लोक बनाने का। लोक बनाना किसको कहते हैं, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छे घर में रहें, शांति से रहें, पत्नी पति बर्ता हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, तो कहते हैं लोक बना हुआ है। पर लोक बनाना भी बताऊंगा आपको, पर लोक बनाना किसको कहते हैं, इस शरीर के रहते रहते आप अपनी आत्मा को ऊपरी लोकों में ले जाओ, पर लोक जिसको कहा गया, स्वर्ग है, वैकुंठ है, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल, बहुत से लोक हैं। ये तो मृत लोक है जहाँ पर आप रहते हो, इसके ऊपर बहुत से लोक हैं, उन लोकों में ले जाओ, वहाँ की सैर करो और घूम करके फिर वापस आ जाओ। जो गृहस्थ आश्रम में एक दूसरे का लेना देना कर्जा है उसको भी अदा कर लो, फिर उस कर्जे को अदा करने के लिए आपको ना आना पड़े, और नहीं तो उस कर्जे को अदा करने के लिए बार बार आना पड़ता है, लौट लौट 84 आना पड़ता है, तकलीफ होती, जन्मने मरने की पीड़ा झेलनी पड़ती है, तो भी तरीका आपको बताऊंगा। गुरु महाराज ने तो बहुत लोगों को बताया, कोई भी इनके पास गया तो खाली लौटाया ही नहीं किसी को। गुरु महाराज को जाने को जब कुछ दिन रह गया तो मेरे लिए कह करके गए थे कि यह बताएंगे, पुराणों की संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे। तो नामदान देना है बड़ा कठिन काम, इसमें लेना देना कर्मों का होता है, लेकिन जब गुरु का आदेश हो गया तो नामदान देना शुरू कर दिया। सब जगह नामदान देता हूँ, देश के कोने कोने में गया वहाँ नामदान तो दिया ही दिया, आपके विदेशों में भी किसी किसी देश में कई बार गया, जहाँ जाता हूँ सब जगह देता हूँ। आपके नेपाल में दिया, हांगकांग में दिया, मलेशिया में दिया, आपके समझो सिंगापुर में नामदान दिया, दुबई में दिया, कतर में दिया, ओमान में दिया, श्रीलंका गया वहाँ दिया, इंग्लैंड गया वहाँ नामदान दिया, अमेरिका गया वहाँ दिया, सब जगह नामदान देता हूँ। कमरे में ही नामदान दे देता हूँ थोड़े ही लोगों में, क्यों देता हूँ, एक तो गुरु के आदेश का पालन करता हूँ, दूसरे जीवों पर दया आ जाती है। किस बात की दया, देखो इस समय आदमी घर से निकले कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा। अब अगर उसकी मृत्यु हो गई तो मनुष्य जिस काम के लिए मिला था वो काम पूरा हो नहीं पाया, यह मंदिर जब ढह जाएगा गिर जाएगा तो इसी में पूजा उपासना कबूल होती है तो वो हो नहीं पाएगी, इसलिए दे देता हूँ। गुरु महाराज ने कहा ना कि इनको नामदान दे दोगे और ये भजन करने लगेंगे, इनका शरीर भी छूट जाएगा तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा,
मनुष्य शरीर का पाना ही तो बड़ा मुश्किल है। कोर जन्म जब भटका खाया तभी अंदर तन दुर्लभ पाया। इसलिए गुरु महाराज के आदेश का पालन करता हूँ कि नामदान दे देता हूँ, करने लगेगा तो समझ लो कि मनुष्य शरीर पा जाएगा। नहीं पूर्ण होगी उसकी साधना तो मनुष्य शरीर तो पा जाएगा। इसलिए सब जगह नामदान देता हूँ, आप लोगों को भी दूंगा। उसके लिए ना आपको घर छोड़ना, ना जमीन जायदाद छोड़ना, ना बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही रहो, है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे मकान में रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलो। हमारी तरफ से पूरी छूट है। आप शाकाहारी भोजन जहाँ भी खाते हो, जिसके साथ खाते हो खाना है। जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करना, समझ से करना, ये बात जरूर कहता हूँ। बच्चे और बच्चियाँ ये जब बड़े हो जाए, पढ़ लिख ले, शादी के योग्य हो जाए, तब खोज करके इनकी शादी कर दो, क्योंकि समय होता है शादी ब्याह का। इनको न खोजना पड़े, क्योंकि इनका निर्णय गलत हो जाता है। ये रूप रंग में, धन दौलत में, ये भौतिक विद्या में फंस जाते हैं देख करके, तो उसका परिणाम सही नहीं निकलता है। आप जब देखोगे, अनुभव के आधार पर खोजोगे, तो आप देख करके करोगे तो इनका जीवन सुखी रहेगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है। जब बच्चा बच्ची पैदा किया है तो पढ़ाया लिखाया है, तो उनका शादी ब्याह भी कर दो, समय से ही आपका दायित्व बनता है। अब आप समझो, न धर्म छुड़ा रहा हूँ किसी का, और न घर छुड़ा रहा हूँ, न जाति छुड़ा रहा हूँ आपका। वैसे तो हमारे यहाँ मानव जाति है, वो मानव धर्म है और मानव है, क्योंकि बनाया उस मालिक ने किसको, मानव को बनाया। हड्डी सबकी एक जैसी, खून सबका एक जैसा, मांस सबका एक जैसा, जल यानी समझ लो कि पानी, आकाश, धरती, सबके लिए बनाए, कोई अलग तो बनाया नहीं उसने। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पटेल तो बनाया नहीं उसने, तो आदमी बनाया, इंसान ने इंसान बनाया। ये तो बनाया सब आपने। जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है, तो जो जीवात्माओं को देखता है, मानता है, मालिक का बंदा समझता है, मालिक का अंश समझता है उन जीवात्माओं को, उसके यहाँ भेदभाव नहीं होता है। लेकिन आपके समाज की जो मर्यादा है उसको भी मैं बनाए रखना चाहता हूँ, उसका भी उल्लंघन नहीं करता हूँ। तो आप जिस तरह से जैसे रहते हो वैसे ही रहो, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि ये दिन रात जो आ रहे हैं ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। चूहा जैसे अंदर अंदर कुटर करके ख़त्म कर देता है, पता नहीं चलता है, ऐसे आपको नहीं पता चल रहा है कि हमारी उम्र ख़त्म हो रही है। आप तो उस माया के जगमगाहट में मस्त हो, कहते मेरा बच्चा 10 साल को हो गया, जन्मदिन है, पूड़ी बनाओ, मिठाई बनाओ, खाओ खिलाओ, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, नाचो गाओ, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मेरा बेटा बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, 10 साल उम्र खत्म हो गई। अब आप रंगो के उम्र कम हो गई, बढ़ी नहीं, तो ये भूल और भ्रम में लोग मस्त हैं। लेकिन आपको मस्त रहो, आपको समझने की जरूरत है कि उम्र आपकी जा रही है, ये सांस की पूंजी खत्म हो रही, और जब ये शरीर धड़ाम से गिरेगा, सांस पूरा हो जाएगा, तो इसको मिट्टी कह करके ले जाएंगे, लोग जला देंगे, 2 घंटे भी घर में नहीं रखने देते हैं, कहते जल्दी करो ले जाओ, नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी। तो अब आप ये समझो, इसका उपयोग कर लो, इस जीवात्मा का उपयोग कर लो, तो अन्य शरीर का उपयोग कर लो जीवात्मा के लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा, तरीका आपको बताऊंगा, आपको नामदान दूंगा, वो नाम आपको बताऊंगा कि जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर न उठ रह पा रहा, नाम लियत भोषण सुखाही सुजन विचार करो मनमाही। तो यह है ध्वन्यात्मक नाम, यह धनियों के मुंह से 24 घंटा निकलता रहता है, यह नाम निकलता रहता है। और आदमी जिस नाम को लेता है, मुँह से जो लेता है वो वर्णात्मक नाम कहलाता है, धनियों के मुंह से जो नाम निकलता रहता है वो ध्वन्यात्मक नाम कहलाता है, वो यानी समझ लो निर्मायक होता है, और मुंह से जो नाम लिया जाता है, कहा जाता है, वो मायक होता है।
माया किसको कहते हैं? माँ के पेट में जो बच्चा बनकर के बाहर निकलता है उसका नाम रखा जाता है, वो माया का नाम होता है। जैसे राम गर्भ लिए, गर्भ में अन्य रहे और कौशल्या के कोख से पैदा हुए और उनका रामचंद्र नाम रखा गया, तो उनका नाम रामचंद्र था, लेकिन राम नाम को उन्होंने जगाया था। और राम नाम को जगाया तो उसमें आ गई ताकत। जगाते कैसे ये भी बता दें। आप इतने आदमी बैठे हो, आपको ये नहीं पता है कहाँ से जुड़े हुए हो, लेकिन आपके अंदर सबके अंदर यानी समझ लो परमात्मा की ही अंश जीवात्मा है, और आप पतले तार से जुड़े हुए हो। कहाँ से? उस पावर से, पावर हाउस से, उस परमात्मा शक्ति से, वहीं से जुड़े हुए। तो ये जब नाम को जगाते हैं तो उसी से जोड़ देते हैं, और जोड़ देते हैं तो उसमें ताकत आ जाती है। तो कोई बोलता है, कहता है या लिखता है तो भी उसके साथ ताकत जुड़ी रहती है। देखो राम नाम अंकित तहां शोभा वरन जाए, अनु स्वामी के विद्यता देख हरस कपड़ाए। कहाँ की बात है ये? ये लंका की बात है। यानी राम नाम किस पर लिखा हुआ था? विभीषण की कुटिया पर। तो जारा नगर निमिषिक माई, एक विभीषण कर कराना ही वो घर बच गया था, क्योंकि राम नाम लिखा हुआ था, उस समय राम नाम में शक्ति थी। त्रेता जब गया द्वापर आया तो कृष्ण नाम कृष्ण ने जगाया, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण खड़े हुए मिले। द्रौपदी को, बारह ग्रह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिले। त्रेता और द्वापर के पहले कौन सा युग था? सतयुग था। सतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम में शक्ति थी, गुरु नाम से उद्धार होता था। उसी गुरु नाम को गुरु महाराज ने हमारे जगा लिया, और गुरु के पहले जय लगाया, जा माने जयमान, या माने जो, जयमान माने जो हमेशा रहे, और देव माने देने वाला। जो सच्चे समर्थ होते हैं वो देते ही, जो सच्चे गुरु होते हैं लेते नहीं हैं। लेते भी हैं तो क्या लेते हैं? जो कोई लेने को न तैयार हो। पापों के गठरी बुरे कर्म, तो समझ लो कि ये नाम गुरु महाराज ने हमारे जगाया, और जगा करके लोगों को बताया कि ये भगवान का, प्रभु का, गाड का, खुदा का नाम है ये। तो लोगों को यकीन न हो, विश्वास न हो, जैसे आप इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, धार्मिक तो सब हो, भगवान को तो सब याद करते हो, लेकिन एक नाम से नहीं, अलग अलग नामों से उनको पुकारते हो, याद करते हो उनको। अब आपको उन्हीं पर विश्वास हो गया, दूसरा नाम बताया जाता है तो जल्दी समझ में नहीं आता। ऐसे उस समय पर जब गुरु महाराज ने बताना शुरू किया तो जल्दी लोग मानने के लिए ना तैयार हूँ। गुरु महाराज ने कहा तुम परीक्षा ले लो, इम्तहान ले लो। इम्तहान लिया लोगों ने, जा रहे हैं, मधुमक्खियाँ छेदने लगी। मधुमक्खियाँ छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, तो जब कोई सहारा नहीं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, तेज हवा के साथ झोंका आया और मधुमक्खियों को उड़ा ले गया। नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, जय गुरुदेव बोला, बस तेज हिरोड़ पानी की आई, नदी के किनारे लगा दिया। मरते समय बड़ा पीड़ा, बड़ा दर्द। सहजो भाई ने कहा, सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना दर्द होता है मरते समय। तो जब चिल्लाया, छटपटाया, आँख की रोशनी खत्म, कान बहरा हुआ, जबान टुटला हुआ, चिल्लाया, सब खड़े, कोई मददगार नहीं, तो प्रेमी ने 10 बार जय गुरुदेव बोल दिया कान में, प्रभु का नाम बोलो, भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो। खोल दिया आँख उसने और कहा, वो जल्लाद सब हट गए, जो मार रहे थे, कूट रहे थे, झुलसा रहे थे, वे यमराज के दूर सब हट गए, अब आराम से जा रहा हूँ। आपके मन में शंका हो, आप किसी के मन में शंका हो तो एक बार आप परीक्षा लेकर देख लेना जय गुरुदेव नाम का। अरे आप ही नहीं, कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके परीक्षा लेकर मदद ले सकता है। इसका प्रेमियों करो प्रचार, तो प्रचार करोगे तो जाएंगे भूल, लेकिन रटा दोगे तो नहीं भूलेंगे। जो चीज रट जाती है वो नहीं भूलती, कोई सिखाता है बताता है तो वो भूल जाता है। रामलीला हो रही थी तो हनुमान जी की हो गई तबीयत खराब,
लोगों ने कहा भाई हनुमान जी किसको बनाया जाए, तो किसी ने कहा वो हलवाई है मोटा तगड़ा उसी बना लो, अरे रावण से तो मोटा होने चाहिए हनुमान जी को। मैनेजर ने कहा वो क्या बोल पाएगा क्या कर पाएगा, लोगों ने कहा सिखा देंगे। गए उसके पास बोले तुमको हनुमान जी बनाना चाहते हैं, अरे बहुत खुश हो गया, कहा हनुमान जी बन जाऊंगा, मेरा फोटो खिंच जाएगा, कैलेंडर बन जाएगा, घर घर में लग जाएगा, लोग हमारा पैर छुएंगे, फूल पत्ती चढ़ाएंगे, हमारे ही दुकान से लड्डू खरीद के ले जाएंगे, हम ही को खिलाएंगे, बड़ी कीमत हमारी बढ़ जाएगी। लेकिन फिर बोला कि भाई हम तो कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हम कैसे बन पाएंगे हनुमान जी। लोगों ने कहा घबराते क्यों, तुमको सिखा देंगे, चलो मेरे साथ। ले गए दिन भर पढ़ाए और करके भी दिखाए, उससे भी करके यानी करवाए और देखे, बोले हाँ पास हो गया। लेकिन जब रात को पहुंचा स्टेज पर और रावण को देखा बैठे हुए, अरे तो पैर कांप गया उसका, सब भूल गया, अब अपना वही नाम याद रहा, बाकी जो ये सब बताए समझाए थे सब भूल गया। और रावण ने जब डांटा कहा है बंदा कौन है तू, क्या है तेरा नाम, तब कहता सरकार की दुहाई हम रामदास हलवाई। तो जो याद था वही बताया, रटा हुआ था जो, बहुत बार बताया अपना नाम तो रट गया था उसको। ऐसे जब रटा दोगे तब तो लोगों को याद रहेगा मुसीबत में, वो बोल पाएंगे, होने तो जाएंगे भूल, तो प्रेमियों रटाओगे कैसे लोगों को, 24 घंटा 12 घंटा 8 घंटा 4 घंटे का करो नाम धुनी जगह जगह पर, 4 आदमी इधर बैठ जाओ बाकी लोग उधर बैठ जाओ, एक साथ ध्वनि बोलो और फिर उधर वाले दोहराओ, फिर इधर वाले 4 आदमी बोलो फिर वो दोहराओ, आमने सामने जैसे रोटी खाने बैठते हो वैसे बैठ जाओ और रटाओ लोगों को। देखो बच्चों को बताओगे बच्चों फिर जाएंगे भूल, आपको तरीका बता देता हूँ कि इनको रट जाएगा कैसे। रात को जब खाना बना लो तैयार हो जाए तो घर में उस वक्त पर जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करके आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट तो रोज ध्वनि बुलवाओ। जब 4-6 दिन बुलवाओगी और वो बोलने के बाद खाना जब देने लगोगी रोज, तब लड़कों को मालूम हो जाएगा कि बगैर ध्वनि बोले खाने को मिलना नहीं है। इसलिए जैसे ही कुकर सीटी देगा तैसे ही काका जी चलो, दादा जी चलो, दादी जी चलो, भाई जी चलो, चलो चलो ध्वनि बोला जाए, ध्वनि बोला जाए, बुला बुला के लाएंगे। और जब बोलने लगेंगे तो रट जाएगा, और रट जाएगा तो वही मुँह से निकलेगा, कह रहे ना कोट कोट मुन जतन कराही अंत नाम मुखावत नहीं, मुसीबत में हड़बड़ाहट में मुँह से नाम निकलता नहीं। इसीलिए कहा गया गुरुदेव तेरी चर्चा जब मुख खुले तो निकले, बराबर अजपा जाप करते रहना चाहिए नाम का। तो अब आपने समझो जब मुसीबत में बच्चा पड़ेगा और जय गुरुदेव बोलेगा तो फौरन उधर से मदद हो जाएगी, इसलिए आप में भी निश्चिंतता आ जाएगी। बच्चों को रटा दोगे याद कराओगे तो, आप इतने आदमी यहाँ पर आए हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपके रिश्तेदार या आप जिनके यहाँ सामान खरीदते हो या अपनी दुकान से जिनको बेचते हो, मिलने जुलने वाले आपके सबके सब लोग शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त ही हो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपका प्रेम व्यवहार है, आपकी बात कभी वो मान लेते हैं कभी आप मान लेते हो, तो पहचान है आपकी। आप उनको समझाओ बताओ कि अब प्रभु का इस समय पर जीता जागता नाम है और ये मुसीबतें अभी आगे बहुत आएंगी, कुदरती कहर आएगी, इसको याद किए रहोगे, जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो आपकी बचत हो जाएगी। इसलिए रात को सोने के लिए जब जाओ तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते बोलते सो जाओ। जब 2-4 बार आप कहोगे समझाओगे फोन करोगे तो बोलने लगेगा, और बोलने लगेगा थोड़ी देर जब भाव से बोलेगा तब तो उसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। भाव से नहीं बोला और आपके डर के मारे बोला कि फोन आएगा क्या करेंगे, रोज रोज झूठ बोलना ठीक नहीं है,
झूठ बराबर पाप, अहिंसांत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप बहुत बड़ा पाप, रोज रोज क्या करना, झूठ बोलना, लाओ हम बोलें तो 2-4 मिनट 10 मिनट चाहे बोलेगा सोने से पहले, बोलने लगेगा, बोलने लगेगा तो उसके कर्म कटेंगे, निर्मलता आएगी, निर्मलता आएगी तो बुद्धि सही होगी, और फिर मिलेगा फिर समझा देना बता देना कि शाकाहारी सदाचारी न समुक्त हो जाओ, नामदान लेकर के अपनी जीवात्मा का भी कल्याण कर लो, कोई जोड़ो रे सूरत शब्द से, सूरत को इस जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ो, ये बता देना, इसको खुराक दो, ऊपरी लोकों में जाएगी जीवात्मा, शब्द का आहार करेगी, खुश हो जाएगी, तब बाद में बता देना, लेकिन कम से कम कलम पकड़ना तो सिखाओ उसको, तब तो लिख पाएगा, अहिंस रमय लोग के स्कूल जाना तो सिखाओ, तब तो पढ़ पाएगा। तो आप लोग जितने भी लोग हो, आप सब लोग इसी तरह से लोगों को जय गोदेव नाम की ध्वनि बोलना सिखाओ। अब देखो बोलना कैसे है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, इसी तरह बोलना। अब आपको बताऊंगा ध्वन्यात्मक नाम, वो नाम बताऊंगा जिसके लिए मीरा ने कहा ना, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो, वो नाम बताऊंगा, नाम रूपी रत्न दूंगा आपको। तो नाम रूपी रत्न जब मिलेगा तो उसके बदले कुछ दक्षिणा ऐसा देना तो चाहिए, ऐसा मर्यादा रही। बहुत से गुरु लोग तो पहले ही रखवा लेते हैं, लोटा ले आओ, धोती ले आओ, लंगोटी ले आओ, अनाज ले आओ, बिस्तर ले आओ, और उसके बाद तब क्या करते हैं, कान फूकते हैं। अब कान फूकने से उद्धार होता है, का कान फूका गुरु हट का, अब बेहट का गुरु और, अब बेहट का गुरु जब मिले तब लगा ठिकाना ठोर, तब वो ठिकाना ठोर मिलेगा। लेकिन कान फूक देते हैं, कंठी बांध देते हैं, लटकाते घूमो इधर उधर, कबीर साहब ने कहा ना कंठी बांधे हर मिले, तो बंदा बांधे कुंदा, और पत्थर पूजे हर मिले तो बंदा पूजे पहाड़। लेकिन अब लटका देते हैं, छाप लगा देते हैं, कहाँ के हैं ये, उस अखाड़े के हैं ये, उनके गुरु उनके गुरु, खैर हमको तो ये बात नहीं कहना है, ये अन्य समय लोग के हम नहीं कहना चाहते, लेकिन ये जरूर बताना चाहते हैं, यहाँ कोई न छाप लगाया जाना है, न कंठी बांधना है, न यहाँ कोई आप सिद्धांत दक्षिणा इस तरह की दुनियावी चीज मांगी जा रही है, लेकिन आपको दक्षिणा तो देना चाहिए। अब देना क्या है दक्षिणा में, अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म अब मत करना, अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, वो आप मत करना, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, यही आपकी होगी दक्षिणा। इसके लिए यही तोबा कर लो, कान पकड़ लो, और उस मालिक से माफी मांग लो कि अभी तक मेरे से जो जान अनजान में गलती हुई उसको आप माफ कर लो, अब मैं गलती नहीं करूँगा, संकल्प बना लो, आपको नामदान देता हूँ, 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज आपको बताऊंगा, और इनका सुमिरन करना भी सिखाऊंगा आपको बताऊंगा, क्योंकि इनको याद करना पड़ता है, इनको जानना जरूरी है, इनके लोकों में से ही ये जीवात्मा ऊपर जाती है, इसलिए इनका सुमिरन भी कराया जाता है, ध्यान भी इनका सिखाया जाता है, और इनकी आवाज को सुनने के लिए भजन कराया जाता है, भजन बताया जाता है, तो वो सब आपको बताऊंगा। अब आप ये समझो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज होती है, जैसे आपका नाम है आपका रूप, रूप माने चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, आपके मुंह से आवाज निकलती है वो आपकी आवाज है, ऐसे ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज, तो वो मैं भी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद करूंगा, जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, ना याद हो पावे तो उसका लिखा हुआ कागज यहीं सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा, ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और याद करके कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को, अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं,
टेप करके अगर सुना दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं, और ये नाराज हो जाए नुकसान कर दें आपका, इसलिए नुकसान वाला काम मत करना। दूसरी चीज आप और समझ लो कि जब आप आंख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ देवलोक पितृ सूर्य चंद्र लोकों में जाओगे और वहां का नजारा, वहां का दृश्य देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगो, हर जैसे बताओगे वैसे वो बंद कर देगा। इसलिए कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो किसी को भी नहीं बताना है, पुरुष स्त्री को नहीं, स्त्री पुरुष को नहीं, दोस्त को नहीं, किसी को नहीं बताना है। यानी आप समझ लो बता दोगे तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, फिर वो देखना सुनना बंद हो जाएगा, इसलिए बताना मत आप किसी को भी। तीन चीज और समझो, सुमिरन ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। और तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा ध्यान आँख से देखने को। तीसरा भजन कान से सुनने को। तीन चीज और समझो, तीन आँख तीन कान और तीन नाक। नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? दो आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर जीवात्मा में, यानी समझ लो वो थर्ड आई आत्मचक्षु कहलाता है, उससे ऊपरी यानी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। दो कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, एक कान अंदर जीवात्मा में, उससे अनहद वेदवाणी कलमा खुदाई आवाज आकाशवाणी जिसको कहते हो साउंड कहते हो वो सुनाई पड़ता है। तीन नाक, एक सूरा के दाहिने तरफ और एक ये बाई तरफ, ये तो है नाक, जिसको नाक कहते हो, ये तो समझ लो दो नाले के ऊपर जैसे पुल बना दिया जाए, ऐसे बना दिया। किसने बनाया? जिसके लिए कहा गया जब तेरी कारीगरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी बदले रंग हजार। देखो कई हजार आदमी आप बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है? किसी से नहीं। लाखों करोड़ों में जल्दी चेहरा नहीं मिलता है। आने समझ लो ये उसने बनाया, इसने दुनिया संसार बनाया। तो आप समझो दो नाक इधर और एक नाक अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू लेते हैं, आनंद लेते हैं उससे। तो तीन आँख तीन कान तीन नाक, सुमिरन ध्यान भजन तीन चीज ये, और पांच नाम पांच रूप पांच स्थान पांच की आवाज, ये मैंने आपको बतलाया। अब दूंगा नामदान, बैठो इसे, जैसे हम बैठे हैं पालथी मार के बैठ जाओ, आदर के साथ सम्मान के साथ ले लो। जो जो नाम बोलूंगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। मिट्टी प्रकट हो में जाना, जब भी उनको याद करोगे दर्शन मिल जाएगा आपको। अब दुनिया बनाने वाला मिल गया आपको तो दुनिया की चीज़ों के लिए भटकना पड़ेगा, हर पापी पेट के लिए गुनाह गलती करनी पड़ी, कुछ नहीं। जो इच्छा की नहीं मनवाई और हर प्रताप कर दुर्लभ ना ही, जिस चीज़ की इच्छा करो वो चीज आ जाए। तो लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है, ये ऐसा सीधा सरल रास्ता है, इससे सहज योग दुनिया में कोई है ही नहीं, ये सरल साधना है। कहीं भी बैठ जाओ, इसे आँख बंद करो, ध्यान लगाओ, खूब लगाओ। अभी तो मन नहीं कहेगा लगाने, लेकिन लगाने लगोगे तो खूब लगवाएगा। तो सीख लो जरा नए लोग, और पुरानों को अभ्यास हो जाए, इसलिए बराबर करते रहना है, आदत डालना है। तो दूसरा चाहिए ध्यान और तीसरा है भजन। ये मनुष्य ही मानो मंदिर कहा गया इसको, तो इसमें दरवाजा है, आँख कान मुँह ये सब दरवाजा है। तो ये बाहर का दरवाजा जब बंद करोगे तब अंदर का द्वार खुलेगा, इसलिए बाहर से बंद करना शुरू में जरूरी होता है। होगा कार्यक्रम 20 मिनट पहले घंटे बजेगी, तैयार होकर आ जाना। 6:40 पर जब बजेगी घंटे तो तैयार होकर आ जाना, तो एक घंटा शाम को सब किया जाएगा, सब पुराने भी कर लेंगे जो नए नामदान लिए हो वो लोग भी कर लेंगे। सुबह फिर 6 बजे से होगा, कल सुबह। वैसे तो नया वर्ष हिंदी तिथि के अनुसार मार्च से शुरू होता है, लेकिन अंग्रेजी से 1 जनवरी से ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अन्य लोग सुनने के लिए आते हैं, गुरु महाराज के पास भी जाते थे नए वर्ष में, तो सुबह हो जाएगा थोड़ी देर।
बोलो जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया निहारू सतगुरु निशदिन जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो जानून कौन भूल हुई तन से, यो हम से मुख मोड़ लियो, दया के नजर करो मेरी ओर, दया नजर करो बालक जानी चूक विसराओ, आया शरण अब मैं तो रहा, हृदय की नजर करो मेरी ओ, हृदय सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी मेरी आकाश वयु कठोर, मेरी बे दया के नजर करो मेरी ओ, शरणागत की लाज न राखो, सुपतित अब जाए कहीं और मो, दया की नजर करो मेरी ओ, दया की नजर नजर करो मेरी ओर, हर की जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु
Thank you.